हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सरदीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। वो आज की जो वीडियो ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हम बी फॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे थे सभी सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे जो आपका पहला सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसके ना हमने शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले आप उस सब्जेक्ट को कवर कर लो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को देख सकते हैं। अब हमारा जो सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पहले सब्जेक्ट है, हम पहले इकोलॉजी के यहाँ पे कवर कर लेते हैं कि इकोलॉजी के यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, जिसमें जो शॉर्ट जो क्वेश्चन हैं यानी कि 5 यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आपने सिंपली जाना है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को चेक करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस को पहले सभी को कवर कर लेना है, फिर आना है इस वीडियो पे जिसमें अभी हम देखने वाले हैं लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बी फॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर इकोलॉजी के। तो यहाँ पे देखिए, ये भी ना सेकंड यानी कि दो पार्ट में ही वीडियो आएगी। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक वीडियो तो देखिए आपकी होगी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि मैंने लिंक बोल दिया कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक वीडियो यहाँ पे देखिए जो लॉन्ग वाली है ना, वो दो पार्ट में आएगी, एक पार्ट वन होगा एक पार्ट सेकेंड होगा। जो फर्स्ट जो पार्ट है ना, उसमें देखिए आपकी यूनिट फर्स्ट होगी और यूनिट सेकेंड होगी, यानी कि यहाँ तक आपने सिंपल एक वीडियो में कवर करेंगे। बाकी की जो 3 यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो सेकंड पार्ट में मिलेंगे। मतलब टोटल आप 3 वीडियो यहाँ पे देखेंगे और 3 वीडियो से आपका पूरा जो सब्जेक्ट है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर हो जाएगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी इनफ है। तो आपने सारी वीडियो को देख लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बी फॉर्म फिफ्थ सेम इकोलॉजी के, वो 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो हम देखिए अगर बात करें तो आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर फर्स्ट को कवर करने वाले हैं, जो भी इसके क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, एंड इसके अलावा जो यूनिट सेकंड है उसके जो भी क्वेश्चन से यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। बाकी ऑलमोस्ट जो सारे जो क्वेश्चन है ना, मैं मतलब टॉपिक वाइज कवर करा दिया था, तो मैं ना यहाँ पे वीडियो को मर्ज कर दूंगा, आपने ना सारे जो है क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं उस तरीके से वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगी। तो जो आज पहला क्वेश्चन है वो है क्लासिफाइड ड्रग्स यूज्ड इन द CHF एंड आल्सो के मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस साइड इफेक्ट ऑफ डिजिटलिस या फिर डाइगोक्सिन। तो बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आया है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में। तो ये जो आया था देखिए यहाँ पे, ये आया था 2020-2021 में। कैसे आया था? क्लासिफाइड ड्रग्स फॉर CHF डिस्क्राइब द मैकेनिज्म फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस एंड इंट्रैक्शन ऑफ डिजिटलिस। ठीक है, 10 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको हम देखने वाले हैं। एक बार हम देख लें कि सिलेबस में कहाँ पर है ये। तो सिलेबस में देखिए BP 503 में पहली यूनिट है, जो कि हमारी यहाँ पर आप देखोगे ड्रग्स यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो आज का जो टॉपिक है ना, देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझने वाले हैं। तो बात करते हैं, देखिए पहला जो हमारी टर्म है वो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अच्छा, बात करें फेल हो जाना क्या होता है, यानी कि जैसे हम स्टूडेंट हैं फेल हो जाते हैं, कोई भी इंसान है वो फेल हो जाता है, मतलब फेल तो कोई भी हो सकता है। फेल होने का मतलब बोले तो यानी कि जो काम उसने करना था वो उससे नहीं हुआ, है ना, या जो काम वो करता रहता है वो उससे अब नहीं होता है, डेट इज कॉल्ड फेलियर। सो यहाँ पे हम हार्ट के रिगार्डिंग यहाँ से बात करें कि क्या है ये हार्ट फेलियर। तो बात करें यानी कि हार्ट का फेल हो जाना, मतलब हार्ट का जो काम है, हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना, पूरी ब्लड जो है हमारी बॉडी में सप्लाई करना। तो अगर जो हमारा हार्ट है वो पूरी तरीके से अपना अच्छा काम नहीं कर पाता है, यानी कि उतना ब्लड नहीं पंप कर पाता है जितना कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कहलाता है हार्ट फेलियर। एग्जांपल के तौर पे आप लीजिए, सपोज करिए कि जैसे कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी को जो पर मिनट जो ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है वो 5 से 6 लीटर है, यानी कि 5 से 6 लीटर पर मिनट जो है हमें ब्लड चाहिए, हमारी बॉडी को इतना ब्लड चाहिए। और क्या हो कि जो हमारा जो बॉडी है वो, सॉरी, जो हमारा जो हार्ट है वो 3 से 4 लीटर ब्लड ही पंप कर पाए, तो उस केस में हमारी बॉडी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगी और उससे फिर हमारे चेस्ट में पेन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, तो वो जो सारी प्रॉब्लम है वो कहलाएगा हमारा हार्ट फेलियर। यहाँ पे एक टर्म जुड़ी हुई है कंजेस्टिव। अच्छा, कंजेस्टिव का मतलब क्या होता है, यानी कि भीड़ भाड़ वाला इलाका जहाँ पे घिचपिच होती है। तो होगा क्या, देखिए आपको पता ही होगा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ी रखा है कि ब्लड कैसे पंप करता है हार्ट, कहाँ पे उसका एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। तो CO2 और जो हमारी ऑक्सीजन जो होती है वो एक्सचेंज होती है लंग्स में, ठीक है, लंग्स में, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ को आता है, फिर वो पंप किया जाता है। तो देखिए होता क्या है, जब हमारा जो हार्ट है उतना सफिशियंट अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर पाता है, तो जो हमारा जो लंग्स है उसके अंदर भीड़ भाड़ हो जाती है, ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है, घिचपिच होने लग जाती है, जिससे हमें हमारे सीने में दर्द होने लगता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सो डैट इज कॉल्ड कंजेस्टिव, कंजेस्टिव वर्ड इसलिए यूज किया गया है। सो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब समझ आ गया, यानी कि वहाँ पर ब्लड
हमारे लंग्स में बढ़ जाता है, भीड़ भाड़ होने लगती है। इसके अलावा जो हमारा हार्ट है उतनी सफिशियंट अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर पाता है जितना कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो वही आप लिख रखा है, देखिए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज ए क्रॉनिक कंडीशन इन विच हार्ट डज नॉट पंप ब्लड एज मच एज रिक्वायर्ड फॉर बॉडी एक्टिविटी। यहाँ पे एक टर्म जुड़ा है, क्रॉनिक कंडीशन। क्रॉनिक कहने का मतलब होता है कि लंबे समय से रहने वाली बीमारी, और ये प्रोग्रेसिव भी है। प्रोग्रेसिव कहने का मतलब होता है कि ये बढ़ती रहती है, घटेगी नहीं, ठीक है। तो पॉइंट समझ आगे लिखा ही हुआ है यहाँ पे। तो ये होता क्यों है, आखिर हमारा हार्ट जो है क्यों ब्लड पंप करना छोड़ देता है या क्यों कम ब्लड पंप करता है? तो बात करते हैं, इफ हार्ट मसल फेल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। आपको पता ही होगा कि जो हमारा हार्ट है उसमें वेंट्रिकल्स और एट्रियम होते हैं। सपोज करिए मैंने ये चार खाने बना दिए, तो ये इस तरीके से आप चार चैम्बर समझ लीजिए हार्ट के, और हार्ट के तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिलैक्स करते हैं, तभी तो हमारा ब्लड पंप होता है। अगर क्या हो कि जो हार्ट की मसल है उनमें इतनी ताकत ही ना हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ही नहीं कर पाए, या उनको सिग्नल ही ना मिले कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का, सो उसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो फेल हो जाता है। इसको हम हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, HF। एक और पॉइंट ध्यान रखना, देखिए हार्ट अटैक नहीं है, हार्ट अटैक के केस में क्या होता है, जो हमारा जो हार्ट होता है ना उसी को ब्लड की सप्लाई नहीं होती है ना। जब हमारे हार्ट को ही मतलब हमारी हमारा जो हार्ट है वो भी तो एक ऑर्गन है, उसकी तो ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए, तो वो कहलाता है हार्ट अटैक, उसको ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है। इस केस में क्या है कि जो हमारा हार्ट है वो सफिशियंट अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर पाता है बॉडी के लिए। और इसके बाद देखिए बात करते हैं कॉजेज की, कि क्या कॉजेज है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो तो मैंने अभी बताया था कि हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो फेल हो जाती हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं कर पाती हैं, तो तब भी हमको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा कार्डियक आउटपुट घट जाएगा। कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है, यानी कि जो हमारा हार्ट है पर मिनट कितना ब्लड पंप करता है वो उसका कार्डियक आउटपुट कहलाता है, जो कि नॉर्मली 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। कार्डिक आउटपुट घटा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, नैरोइंग ऑफ आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट मसल। देखिए अगर हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाएगा, अपना काम नहीं कर पाएगा। अगर उसकी आर्टरीज नैरो हो गई हैं, नैरो कहने का मतलब है पहले वो इतनी चौड़ी थी, अगर वो सिकुड़ के इतनी चौड़ी रह गई है तो ब्लड अच्छी तरीके से नहीं जा पाएगा, तो वो भी एक रीज़न है। इसके अलावा हाइपरटेंशन का क्या मतलब होता है, हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड बहता है। सपोज करिए ब्लड वेसल्स में इस तरीके से हमारा नॉर्मली यहाँ पे ब्लड बह रहा है, यहाँ पे क्या हो कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि वो सिकुड़ जाए, तभी तो हमारा बीपी बढ़ेगा। तो जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तब भी जो हमारा ब्लड है सफिशियंट अमाउंट में बॉडी को सप्लाई नहीं हो पाता है, या बॉडी तक जो ऑर्गन्स है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। इसके अलावा इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम सो हार्ट कांट पंप प्रॉपरली। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन हुई, एक कंडीशन की हमारे पास ब्लड ही कम है, या बोले तो हमारे पास जो ब्लड है मतलब कि सही तरीके से कार्डियक आउटपुट नहीं आ रहा है, तब भी हमको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है। इसके अलावा सेकंड यह है कि अगर ब्लड ज़्यादा है तब भी हमारे दो हार्ट उसको प्रॉपरली पंप नहीं कर सकता। तो दोनों केसेस हैं, ब्लड का बढ़ना ब्लड का घटना दोनों कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को कॉज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, पास्ट हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक और डिसीज ऑफ हार्ट मसल। आपको अगर आपको ऑलरेडी कोई पास्ट में हार्ट से रिगार्डिंग कोई भी आपको डिसीज है, हार्ट अटैक आपको आया हो, तब भी आपकी जो मसल्स वगैरह है वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी डिसीज, यानी कि जो हमारी कोरोनरी जो आर्टरी होती है अगर उसमें कोई प्लेक का फॉर्मेशन हो, कोई भी यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल वगैरह लिपिड वगैरह जम जाए, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है सही तरीके से, तो ये केसेस तब भी देखे जा सकते हैं CHF के। बात करते हैं सिम्टम क्या है CHF के। देखिए पहला सिम्टम वो है फैटिग, यू थकान वगैरह आपको हो सकती है। सेकंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जैसे कि हमने स्टार्टिंग बोला था कि कंजेशन हो जाता है लंग्स में, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहलाती है। इसके अलावा जब ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो हमारे सीने में, यानी कि जिस तरफ हमारा हार्ट है वहां पे चेस्ट में पेन होगा। नेक्स्ट देखिए अरिदमिया, अरिदमिया यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट होंगी, कभी तेज होंगी कभी ज्यादा होंगी, कभी मतलब होंगी नहीं, इस तरीके से प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा इडेमा इन एंकल्स एंड लेग्स, और जैसे कि ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा तो रिटेंशन हो जाएगा ब्लड का, तो हमारे जो एंकल्स हैं यानी कि टखने जो है और हमारे जो लेग्स हैं वहाँ पे जो है इडेमा सूजन देखी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए वो है एक्सेस यूरिनेशन एट नाइट। आपको जो है नाइट में बहुत ज़्यादा यूरिन वगैरह आ सकता है, तो ये कुछ इसके सिम्टम होते हैं। अब देखिए बात करते हैं जो कि मेन टॉपिक है, जो कि हमारा ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर आपको ये प्रॉब्लम होगी ये तो कैसे आप ठीक करोगे। देखिए हमारे पास जो हमारे कॉजेज थे ना, अगर हम
जैसे अभी हमने कॉजेस देखे हैं कि किसकी वजह से वो हो रहे हैं, अगर हम उन्हीं को सुधार दें तो हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। पहला पॉइंट हमने देखा था कि अगर जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स, देखिए दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि सिस्टोल होना भी ज़रूरी है, डायस्टोल होना भी ज़रूरी है, तो ये दोनों चीज़ें प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो अगर हम कोई ऐसी मेडिसिन दें, कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करवाएं हार्ट को, तो ब्लड सफिशियंट अमाउंट में जो है वो पम्प करेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने देखी कि हमारा जो है अगर हमारा बीपी बढ़ जा रहा है तो तब भी प्रॉब्लम हो रही थी, यानी कि कुछ ऐसी मेडिसिन दें, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन दें, तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसके अलावा तीसरी हमने कंडीशन देखी, जैसे कि हमारी जो ब्लड वेसल्स थी पहले जो थी वो मतलब कि बहुत चौड़ी थी, मतलब कि डायलेट थी, और प्रॉब्लम जैसे ही हुई मतलब वो ये इस तरीके से मतलब कंस्ट्रिक्ट हो गई और ज़्यादा मतलब सिकुड़ गई, तो इनको डायलेट करने के लिए हम वैसो डायलेटर दे सकते हैं, तब भी हमारी प्रॉब्लम डायलेटर, तो तब भी जो है हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। तो कुछ ही ये है, आपको पॉइंट समझ आ गए होंगे कि आखिर अब हमने कौन सी मेडिसिन देनी है। तो देखिए दो तरह की मेडिसिन हम दे सकते हैं, पहला है पॉजिटिव इनोट्रोपिक ड्रग। देखिए पहले समझिए इनोट्रोपिक ड्रग क्या होती है। इनोट्रोपिक ड्रग जैसे कि बताऊँ यहाँ पे, इनोट्रोपिक ये जो ड्रग है वो ड्रग होती है जो कि या तो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगी या फिर रिलैक्स कराएंगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड प्लस रिलैक्सेशन, इनका काम ये होता है। जो हमारी पहला जो पॉइंट था यानी कि ये यहाँ पे काम करने वाली है, ये उसके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को करेंगी, यानी कि हार्ट पे डायरेक्टली जाके काम करेंगी। तो वही ये देखिए तीन टाइप्स की हैं हमारे सिलेबस में। पहला है कार्डिक ग्लाइकोसाइड, कार्डिक ग्लाइकोसाइड ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिसमें जिसके अंदर डाइगोक्सिन डिजिटॉक्सिन आती हैं, जो कि हमारे सिलेबस में यानी कि क्वेश्चन में वही पूछा था। आप दिखा दूँ मैं आपको दोबारा कि डिस्कस मोड ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ डिजिटलिस, तो यही हमने डिटेल में देखना है। तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड को भी हम देखेंगे डिटेल में। तो इसके अंदर दो ड्रग हैं, डाइगोक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन। नेक्स्ट देखिए वो हमारा फॉस्फोडाइस्टरेज यानी कि पीडीई इनहिबिटर। तो जैसे कि नेम में आ रहा फॉस्फोडाइस्टरेज, तो ये जो है एक हमारा एंजाइम है, यानी कि ये जो मेडिसिन है जैसे कि एम्ब्रिनोन है, मिलरिनोन है, ये जो है इस एंजाइम को इनहिबिट करके अपना असर दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा बीटा एगोनिस्ट, जैसे कि निमारा एगोनिस्ट, तो ये जो है वो मेडिसिन है जैसे कि डोपामिन है, डोब्यूटामाइन है, जो कि हमारे बीटा रिसेप्टर से बाइंड होंगी और जो हमारा हार्ट है उसको कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, उसको रिलैक्स कराएंगे। तो ये जो तीनों तरह के ड्रग्स हैं डायरेक्टली कहाँ पे काम कर रही है, हमारे हार्ट पे काम कर रही है, ठीक है, उनका इनोट्रॉपिक इफेक्ट है। लेकिन जो सेकंड जो कैटेगरी है वो हमारी वो है ड्रग विदाउट पॉजिटिव इनोट्रॉपिक इफेक्ट, यानी कि वो हार्ट पे काम नहीं करती बल्कि जो हमारी अदर प्रॉब्लम थी लाइक जैसे कि बीपी का बढ़ जाना, ब्लड वेसल्स का जो है मतलब कि कंस्ट्रक्ट हो जाना, तो ये जो है वो ड्रग्स हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला है बीटा ब्लॉकर, आपको पता ही होगा बीटा ब्लॉकर जो है बीटा रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाती है, इनको ब्लॉक करती है, जैसे कि मेटोप्रोलोल है, एटेनोलोल है, तो उससे जो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, यानी कि जो हमारा पहले इस तरीके से हमारी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट थी वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, इस तरीके से चौड़ी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए हमारे एसीई इनहिबिटर, जैसे कि हमारा एसीई यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, तो ये जो है इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी, तो इसकी वजह से भी क्या होता है हमारा बीपी कम हो जाता है, जैसे कि लोसार्टन है, वालसार्टन, ये ड्रग इसके अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो डायूरेसिस कराती हैं और ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन को वो बढ़ा देती हैं, एक्सक्रिएशन को बढ़ा देती हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर आएगा फ्यूरोसेमाइड थायाजाइड। तो यहाँ पर डायूरेटिक्स का क्या काम होगा, जैसे कि आपको बताइए कि हमारा जो यूरिन है कहाँ से बनता है, ब्लड से फिल्टर होने के बाद ही हमारा जो है क्या बनता है, यूरिन बनता है। तो देखिए अगर बात करें, अभी हमने कंडीशन देखी थी जब ब्लड का अमाउंट बढ़ जा रहा था तब भी हमको सीएचएफ की प्रॉब्लम थी, तो जितना ज़्यादा यूरिन निकलेगा यानी कि ब्लड का अमाउंट उतना ही कम होगा, उतनी ही आसानी से फिर हमारा हार्ट उसको पंप कर पाएगा, तो यहाँ पे डायूरेटिक्स का रोल है। इसके अलावा वैसो डायलेटर यानी कि जो ब्लड वेसल्स हमारी वही इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं उनको थोड़ा डायलेट करने का काम करते हैं, चौड़ा करने का काम करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स है और हाइड्रोलाजिन है। तो यहाँ पे ये जो है हमने क्लासिफिकेशन देखा है सीएचएफ वाली सारी ड्रग्स का। बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिस पर हमने फोकस करना है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड, डाइगोक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन के ऊपर, उसका मोड ऑफ एक्शन, उसके यूजेस, साइड इफेक्ट वगैरह हम देखते हैं। तो देखिए कार्डिक ग्लाइकोसाइड बात करें जो है हमारी दो ड्रग्स हमारे यहाँ पे सिलेबस में दे रखी हैं, एक है हमारी डाइगोक्सिन और सेकेंड हमारी डिजिटॉक्सिन।
तो ये जो है ना हमारे दोनों प्लांट से डराइव होते हैं। एक हमारा प्लांट है जो है डिजिटेलिस, डिजिटेलिस अगर आपने पढ़ा हो या फिर आप पढ़ेंगे, आपने ये जो है उसमें पढ़ना होगा जो हमारी प्लांट की जो हम स्टडी करते हैं फार्माकोग्नोसी में। तो कार्डिक लाइकोसाइड यानी कि ये दो ड्रग्स हैं डाइगोक्सन डिजिटॉक्सन जो कि डायरेक्टली हमारे हार्ट पे काम करेंगे, उसको कॉन्ट्रैक्ट कराएंगी, और ये जो है डिजिटेलिस इस प्लांट से डराइव होती हैं। तो ये जो हमारे कार्डिक लाइकोसाइड है ना, ये या बोले तो हमारे डाइगोक्सिन या डिजिटॉक्सिन है, ये जो है इनकी केमिकल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके से होती है। इनमें दो चीज़ें होती हैं, एक शुगर वाला पार्ट होता है, एक नॉन शुगर वाला पार्ट होता है, जो कि एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, शुगर वाला जो पार्ट है उसको हम ग्लाइकोन बोलते हैं, नॉन शुगर जो पार्ट होता है उसको हम एग्लाइकोन बोलते हैं। ये बात कर रहे हैं किसकी, सपोज या तो हम डाइगोक्सिन की ले लें या डिजिटॉक्सिन की ले लें, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, शुगर वाला पार्ट होगा, नॉन शुगर वाला पार्ट होगा, बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोन यानी कि शुगर वाला पार्ट है उसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है हमारी बॉडी में, लेकिन हाँ नॉन शुगर जो पार्ट है यानी कि एग्लाइकोन जो है उसी का हमारी बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, वही हमको जो हमारा हार्ट है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। तो इतना आपने समझ लिया। बात करते हैं इनके मोड ऑफ एक्शन की, यानी कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ डाइगोक्सिन या फिर डिजिटॉक्सिन। तो पहले देखिए हम समझते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी हमारी, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, फिर प्रॉब्लम क्या हो जाती है, और जब आपने प्रॉब्लम समझ आ जाएगी तो आपने ये भी समझ आ जाएगी कि अब ये हमने प्रॉब्लम ठीक कैसे करनी है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, ये जो है हमारे हार्ट की मसल है, हार्ट में जो मसल है उसके अंदर जो सेल है, या आप बोलते हैं कार्डियक सेल है ये हमारी, जैसे कि सपोज ये हमारा इसी तरीके से मैं चार चैम्बर बना देता हूँ, अब बस इमेजिन करना ये हमारा हार्ट है, हमने उसका कोई पार्ट लिया इतना बड़ा, उसमें जूम आउट किया तो हमने देखा कुछ इस तरीके से सेल होती है, जैसे कि हमने ये यहाँ पे बना रखी है। तो नॉर्मली केसेस में क्या होता है, देखिए आप समझिए कि हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कैल्शियम आयन, यानी कि कैल्शियम आयन ही है जो कि हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं कैल्शियम आयन की कमी हो जा रही है जिससे कि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, तो प्रॉब्लम देखते हैं। तो जो हमारी कार्डियक मसल है यानी कि हार्ट की जो एक सेल है उसमें दो यहाँ पे चैनल्स होते हैं, एक हमारा पोटेशियम सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, जिसकी नेम हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। तो यहाँ पे जो है पोटेशियम सेल के अंदर आता है हमारा इंट्रा सेलुलर, आप बोल सकते हैं इंट्रा सेलुलर, और यहाँ पे बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है ईएक्स में लिख देता हूँ। तो होता क्या है, देखिए नॉर्मल कंडीशंस में जो हमारे जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है जिसकी नेम हमारा एटीपेज, तो यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे पोटेशियम सेल के अंदर आता है, सोडियम बाहर जाता है, तो इस तरीके से अपना यहाँ पे काम करता रहता है। दूसरा इस तरफ है हमारा एक सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, जैसे कि हमारा एक्सचेंजर यानी कि ये जो है एक्सचेंज करेगा, सपोज करिए जैसे कि सेल के अंदर हमारी सोडियम की कंसेंट्रेशन बढ़ गई है, ज़्यादा हो गया है, तो ये जो है उसको एक्सचेंज कर देगा कैल्शियम में, यानी कि सोडियम बाहर चला जाएगा फिर कैल्शियम हमारा अंदर चला जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे इस तरीके से काम करता है। तो देखिए बात करें हमारी कार्डियक सेल है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, यानी कि कैसे कार्डियक हार्ट फेलियर हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब भी सोडियम आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो सेल के अंदर कम हो जाती है तो ये प्रॉब्लम आपको देखी जाएगी। अभी आप बोलोगे कि आपने तो बोला था कि कैल्शियम रेस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, देखिए कैल्शियम सेल के अंदर तभी तो आएगा जब सोडियम यहाँ पे ज़्यादा होगा, बोले तो सोडियम के ही एक्शन से कैल्शियम अंदर आता है, सोडियम बाहर जाएगा कैल्शियम अंदर आएगा, अगर यहाँ पे सोडियम ही नहीं होगा तो कैल्शियम तो अंदर आएगा ही नहीं, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही नहीं। तो आपने प्रॉब्लम समझी, यानी कि सोडियम की जो है कमी हो जा रही है सेल के अंदर, वही हमने बढ़ाना है। अभी बढ़ाना कैसे है, तो यहाँ पे जो हमारी डिजिटेलिस है या बोले तो हमारी जो ड्रग है वो करेगी क्या, ये जो हमारा सोडियम एटीपेज पंप है उसको ही जाके ब्लॉक कर देगी, उसको बंद कर देगी। अब यहाँ पे ये बंद हुआ तो क्या होगा, ना ही पोटेशियम अंदर आएगा ना ही सोडियम जो है वो बाहर जाएगा, यानी कि सोडियम की कंसेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी और एक कंडीशन ऐसे आएगी कि यहाँ पे सोडियम की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर जो है यही सेल इसको एक्सचेंज करने लग जाएगी किससे, कैल्शियम आयन से, फिर सोडियम बाहर जाएगा कैल्शियम अंदर आएगा, सोडियम बाहर जाएगा कैल्शियम अंदर जाएगा, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट आ जाएगा हमारा कैल्शियम का, तो कैल्शियम फर्दर जो है एक हमारा बोले तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट करता है या स्टिमुलेट करता है,
जहाँ से कैल्शियम आयन दोबारा और ज़्यादा बनते हैं। तो देखिए बात करते हैं, यहाँ पे वही लिख रखा है, आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि डाइगोक्सिन या डिजिटॉक्सिन डायरेक्टली जो काम करता है वो हमारे मायोकार्डियम यानी कि हार्ट की मसल पे करता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन कराता है। वो कैसे कराता है, वो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप को ब्लॉक कर देता है। और उसके बाद देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है, जिसके डिजिटलेस या डाइगोक्सिन हमारी ड्रग है, वो उसने ब्लॉक किया हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप को। तो जैसे ही वो ब्लॉक होगा तो हमारे जो मायोकार्डियम सेल है तो उसके अंदर जो है सोडियम जो आयन्स हैं उनकी जो कंसनट्रेशन के लेवल है वो बढ़ने लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके एक्सचेंज में जो है कैल्शियम आयन्स जो है एंटर करेंगे हमारे सेल के अंदर और सोडियम आयन्स जो है वो बाहर जाएंगे। तो यहाँ पे ये मतलब ये स्टेप होती है। इसके बाद देखिए बात करें, जैसे कैल्शियम अंदर आता है तो ये एक्टिवेट करता है सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो ये जैसे आप बोल सकते हैं, या बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सेल के अंदर जो कार्डियक सेल उसके अंदर होती है सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये जो है इसका काम होता है और ज़्यादा कैल्शियम आयन को बढ़ाना, यानी कि यहीं से कैल्शियम आयन और ज़्यादा रिलीज होते हैं। तो जैसे ही एक्टिवेट होता है तो कैल्शियम आयन जो है और ज़्यादा रिलीज होने लग जाते हैं, और यही जो है बहुत सारे जो कैल्शियम आयन जो बढ़ जाते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन अभी बढ़ने वाला है। तो कैल्शियम आयन जैसे ही रिलीज हुए तो ये बाइंड करते हैं ट्रोपोनोनिन सी से। ट्रोपोनोनिन सी जो है ये हमारा एक्टिन मायोसिन में एक फिलामेंट होता है, एक प्रोटीन होती है, आप बोल सकते हैं एक रिसेप्टर होता है ट्रोपोनोनिन सी, किसमें एक्टिन मायोसिन। तो ये जो है इस प्रोटीन से रिसेप्टर से जो है हमारी कैल्शियम जो है वो बाइंड होती है, और जैसे इससे बाइंड होती है तो ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती है, हमारे एक्टिन मायोसिन जो है ये एक्टिवेट हो जाता है और हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारा हार्ट करने लग जाता है, फिर दोबारा कैसे वो उस तरीके से पम्प पम्प वो करने लग जाता है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से कार्डियक हार्ट फेलियर की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। तो ये आई होप सारे कुछ मोड ऑफ एक्शन आपको समझ आ गया होगा, मैंने आसानी से आपको समझाया है। अब बात करते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक की, कि फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, यानी कि हमने एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बारे में लिखना होता है, यानी कि वो मेडिसिन कैसे लेनी है, वो कैसे एब्जॉर्ब होगी, कहाँ से वो मतलब कि कहाँ पे मेटाबलाइज होगी, कहाँ पे एक्सक्रिएट होगी। तो देखिए बात करें, जो हमारे डिजिटलेंस या डाइगोक्सिन है उसको आप IV रूट से दे सकते हैं, यानी कि जो नस में इंजेक्शन लगाया जाता है वो, और ओरली यानी कि मुंह ओरली हम ले सकते हैं। इसको हम यहाँ पे सबक्यूटेनियस नहीं दे सकते, ना ही इसको हम इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हाफ लाइफ की, कि इसका एक्शन कितना होता है, हाफ लाइफ कितनी होती। तो प्रॉब्लम लंबा एक्शन होता है बहुत टाइम तक, जैसे कि 35 से 40 घंटे। तो ये तो हाफ लाइफ, अगर बात करें पूरी लाइफ की तो इसकी तो कम से कम ये दो तीन दिन बैठेंगे आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसके हाफ लाइफ पे बात करें ओरल एब्जॉर्प्शन, तो ओरल जो इसका ऑब्जॉर्प्शन होता है वो इंटेस्टाइन के थ्रू ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, जो कि 60 से 80% हो जाता है। मेटाबॉलिज्म होता है लिवर के द्वारा, एक्सक्रीशन होता है आपके किडनीज के द्वारा। तो ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। बात करते हैं इसके यूज़ की, तो सबसे पहले यूज़ तो वही है जो हम देख रहे हैं, यानी कि कार्डियक हार्ट फेलियर को ये ठीक करता है। सेकेंड है, ये ट्रीट करता है या मैनेज करता है कार्डियक अरिथमिया को, यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट का हो जाना, ये उसको भी ठीक करता है। उसके अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक है आर्टेरियल फिब्रिलेशन, एक है आर्टेरियल फ्लटर। तो आर्टेरियल फिब्रिलेशन कहने का क्या मतलब, यानी कि इरेगुलर बीट ऑफ आर्टेरियम। जैसे कि आप देखोगे ये हमारे 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के, ये हमारे आर्टेरियम होते हैं, ये हमारे वेंट्रिकल होते हैं। तो जब आर्टेरियम इरेगुलर बीट करने लग जाते हैं, उनकी बीट अलग ही हो जाती है, तो वो कंडीशन कहलाती है हमारी आर्टेरियल फिब्रिलेशन। और एक हमारा आर्टेरियल फ्लटर, यानी कि रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अपर चैम्बर देन वेंट्रिकल। इसमें तो देखिए इरेगुलर बीट हो रही थी, लेकिन फ्लटर की केस में क्या होता है, जो हमारे अपर जो चैम्बर है यानी कि आर्टेरियम जो है बहुत ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं, तो उस केस में जो है हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, घट जाती है, तो उसको भी ठीक करने के काम आता है। बात करते हैं क्या है इसके साइड इफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए साइड इफेक्ट की तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि नोसिया, वॉमिटिंग, हेडक वगैरह, ये तो नॉर्मल है, आपने हर किसी में आप इसको लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है एनोरेक्सिया, आपको भूख की कमी हो सकती है, नोसिया वॉमिटिंग हो सकती है, इंसोमनिया, आपको नींद कम आ सकती है, ब्लड विजन आपको आंखों में कुछ धुंधलापन दिखाई दे सकता है, कार्डिक अरिथमिया हो सकता है, हेडक की प्रॉब्लम हो सकती है, थकान हो सकता है, डायरिया हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है हमने क्वेश्चन कवर करा है। आई होप जो क्वेश्चन है आपको पूरा समझ आ गया होगा कि कैसे आपने जो है पूरा ये सॉल्व करना है। कि यहाँ पे यूनिट फर्स्ट जो होती है हमने उसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिया था CHF वाला। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए देखते हैं कि सिलेबस में कहाँ पर है और फिर आपको समझ आएगा कि कैसे आपने क्या करना है इसका। तो यहाँ पे आप देखोगे फार्माकोलॉजी सेकंड में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के ऊपर पूरा एक पोर्शन है, तो उनमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, क्लासिफाई करना है, फार्माकोलॉजी यानी कि मोड ऑफ एक्शन वगैरह सारा कुछ बता देना है। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे जो हमारी ड्रग्स हैं यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग,
तो उन पे क्वेश्चन आता कैसे है, या मैं आपको 3 साल के क्वेश्चन पेपर दिखा दूँ, तो ये 2019-2020 में कैसे आया था, देखिए यहाँ पे आप देखोगे क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड राइट डिटेल्ड नोट ऑन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, 7 मार्क्स में है। बाकी एक बार ये 10 मार्क्स में आया था, देखोगे एनलिस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग गिव फार्माकोलॉजी ऑफ नाइट्रेट्स, तो यहाँ पे 10 मार्क्स में है, जो कि आपका 21-22 में ये आया था। बाकी बात करते हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 2020-21 का, तो यहाँ पे शॉर्ट में था जिसके राइट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। देखिए आपके कभी ना कभी ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ा होगा, या आपके नहीं तो आपके पेरेंट्स के, या फिर जो एल्डर पीपल्स होते हैं बड़े बूढ़े लोग, उनका काफ़ी ज़्यादा बीपी बढ़ा रहता है, बोलते हैं बीपी शूट कर गया वो वगैरह। तो आज हम बात करने वाले हैं एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से कि कौन सी मेडिसिन हम वहाँ पे देते हैं, अगर वो मेडिसिन हम दे रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में जाके करेगी क्या, या वो कहाँ पे जाके एक्शन दिखाएगी। तो बात करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी कि बोर ड्रग, जो कि हाइपरटेंशन को, या बोले तो जब हमारा बीपी हाई हो जाता है उसको रिड्यूस करने के लिए या उसको कम करने के लिए दी जाती हैं, वो हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहलाती हैं। बात करते हैं, आपको ब्लड प्रेशर पता ही होगा, ब्लड प्रेशर क्या होता है, यानी कि जो हमारा ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में बहता है और उन पर एक प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये हमारी ब्लड वेसल है और इसमें हमारा ब्लड बह रहा है, तो ये जब ब्लड बहता है तो ये जो है जो हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल है उन पर ये एक प्रेशर भी लगाता है, और उसके बदले में उल्टा प्रेशर मतलब जो वॉल से वो ब्लड पर भी लगाती हैं, उसी को हम बोलते हैं बीपी, यानी कि ब्लड प्रेशर। और जब ये जो है बढ़ जाता है उसी को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो बात करते हैं, यानी कि एक कंडीशन व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज देन नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, 120 होता है हमारा सिस्टोल का और 80 होता है डायस्टोल का, जब ये होता है वो नॉर्मल होता है, अगर इससे ज़्यादा हमारा बीपी होता है वो हमारा हाइपरटेंशन कहलाता है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं, जो हमारा हाई बीपी जब हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम और हो सकती हैं, या फिर वो किन किन चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहला हार्ट फेलियर, यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा जो हार्ट है वो सफिशियंट अमाउंट ऑफ ब्लड पंप नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा किडनी फेलियर हो सकता है और कुछ और हार्ट से रिलेटेड डिसीज हो सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है जब आपका बीपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। बात करते हैं कॉजेज़ क्या हैं हाइपरटेंशन के, या बोले तो किन रीज़न की वजह से ये हो सकता है। सबसे पहला है वैजो कंस्ट्रिक्शन, आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे कि बात करें, जैसे कि नॉर्मली हमारा जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में बहता है, सपोज ऐसी हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल है, क्या करें कि इसको हम आगे से दबा दें या इसको थोड़ा नैरो कर दें, इसको कंस्ट्रिक्ट कर दें, जैसे कि पाइप हमारा पाइप में पानी बहता है तो उसको हम आगे से इस तरीके से दबा देते हैं, तो क्या होता है वो पानी बहुत तेज बहने लगता है, बोले तो हम पे प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि जहाँ पे ये ब्लड इस तरीके से नॉर्मल बह रहा था, अगर उसको हम ब्लड वेसल को पतला कर देते हैं तो वही ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ बहेगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा रीज़न है देखिए सोडियम रिटेंशन या टू मच सॉल्ट डाइट, अगर सॉल्ट या ले बोले तो सोडियम की डाइट ज़्यादा ले, आपने डॉक्टर से सुना होगा अगर आपका बीपी बढ़ जाता है तो आपने सोडियम या बोले तो नमक कम से कम लेना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा रोल ये निभाता है। अभी हम इसका मोड ऑफ एक्शन जब देखेंगे मेडिसिन का तब आपको बेटर समझ आएगा, वहाँ पर हम देखेंगे। नेक्स्ट है हाई ब्लड वॉल्यूम, अगर देखिए क्या हो कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाए, सपोज करिए हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल इस तरीके से ब्लड बह रहा है जिसमें सपोज करिए 4 लीटर ब्लड जो है पर मिनट बह रहा है, मैं नॉर्मली एग्जांपल बस आपको बता रहा हूँ, 4 लीटर ब्लड 1 मिनट में इस तरीके से नॉर्मल ब्लड वेसल से बह रहा है, क्या हो कि वहाँ पे हम जो ब्लड का अमाउंट है वो 6 लीटर कर दें तो वो उतने ही प्रेशर से थोड़ी बहेगा बल्कि हाँ प्रेशर बढ़ जाएगा जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम वहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक रीज़न है, इसके अलावा स्मोकिंग या टबाकू वगैरह लेने से भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है वो है देखिए लो पोटेशियम लेवल इन डाइट, अगर डाइट में आप बहुत ही कम पोटेशियम ले रहे हैं तो तब भी प्रॉब्लम आपको होगी, यानी कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आप ओवर वेटेड हैं और फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं तो ये प्रॉब्लम यानी कि हाइपरटेंशन की आपको देखी जा सकती है। तो ये इसके कॉजेज है। बात करते हैं कौन कौन से सिम्टम्स हैं देखिए हाइपरटेंशन के, तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहला है चेस्ट पेन, अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो आपकी जो जिस तरफ हार्ट है वहाँ पे चेस्ट में पेन हो सकता है और कन्फ्यूज़न हो सकता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रह सकते हैं, ये इसके कॉजेज सिम्टम है। इसके अलावा ईयर बजिंग, ईयर में कई तरह की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, अरिथमिया यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट आपकी रह सकती हैं, विजन चेंज हो सकता है, नोज ब्लीडिंग हो सकती है, आपकी नाक से भी ब्लड बह सकता है, तो ये इसके कुछ सिम्टम हुए हाइपरटेंशन के। और इसके अलावा देखिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बात करें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन कि कौन कौन सी ड्रग हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, देखिए 8 कैटेगरीज हैं, सबका मोड ऑफ एक्शन अलग है, सबकी ड्रग अलग है,
काम एक ही है, काम करने का तरीका अलग है। तो बात करते हैं, जो यहाँ पे पहला है वो है एसे इनहिबिटर, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये वो ड्रग है, इस एंजाइम को इनहिबिट करके अपना असर दिखाएंगे। नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन सेकेंड एंटागोनिस्ट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, वैसोडायलेटर्स एंड रेनिन इनहिबिटर। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम इनका देखिए मोड ऑफ एक्शन समझते हैं। सबसे पहला है देखिए एसीई इनहिबिटर, यानी कि जैसे कि नेम आ रहा है एसीई, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये ऐसी ड्रग होंगी जो कि इस एंजाइम को, यानी कि एसीई एंजाइम को इनहिबिट करके अपना असर दिखाएंगे। और ये कहाँ पे इनहिबिट करती हैं, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि आखिर इस एंजाइम का काम क्या होता है। तो ये जो एंजाइम है ये अपना रोल निभाता है रास सिस्टम में। रास सिस्टम बोले तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, आपने देखिए सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं कि देखिए रास सिस्टम जो है एक हमारा एक सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी में अपना काम करता है, और ये जो है हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो होता क्या है देखिए सिस्टम में, तो यहाँ पे एक प्रोटीन रिलीज होती है लिवर से जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजिन। तो ये जो प्रोटीन है इसको एक एंजाइम, यानी कि जिसका नाम है रेनिन, जो कि किडनी से रिलीज होता है, वो इस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन सेकंड फर्स्ट एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा यहाँ पे इंटरमीडिएट बना है एंजियोटेंसिन फर्स्ट, इसको एक एंजाइम यानी कि एसीई, इसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। और जैसे ही एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है हमारा बीपी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उसका रीजन क्या है, जैसे ही एंजियोटेंसिन सेकंड अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड होगा, क्योंकि इसके रिसेप्टर होते हैं, तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है। जो आपकी ब्लड वेसल्स पहले नॉर्मल थी, नॉर्मल बोले तो जैसे इस तरीके से वहाँ पे नॉर्मल ब्लड बह रहा था, तो उसको ये और ज़्यादा थोड़ा पतला कर देता है। तो यहाँ पे इसका ये रोल होता है। बाकी जैसे ही एंजियोटेंसिन सेकंड बनेगा तो ये हमारी ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, तो ये उससे एक हार्मोन को सीक्रेट करवाएगा जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और इस हार्मोन का क्या काम है, तो ये जो है कुछ हमारी चीज़ें हैं जैसे कि सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन और वाटर जो है उनके रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। देखिए मैं आपको याद दिला दूं, जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा कि जो हमारा जो यूरिन है वो कब बनता है, जब हमारा जो ब्लड है जब फिल्टर हो जाता है, उसके बाद जो बचता है वो हमारा यूरिन कहलाता है। बोले तो यहाँ पे हम किडनी की बात कर रहे हैं, किडनी में ये काम हो रहा है। तो यहाँ पे लास्ट मोमेंट में क्या होता है, यूरिन से भी कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब की जाती हैं, जैसे कि सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोरीन आयन है। तो ये कब रीअब्जॉर्ब की जाती हैं, जब एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। जैसे ही वो रिलीज होगा हार्मोन, तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, और उससे फाइनली होगा क्या, हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, या फिर जो है सोडियम की हम बात कर रहे थे, सोडियम का इंटेक या बोले तो उसका वहाँ पे क्या बोले तो अमाउंट बढ़ेगा ब्लड में, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ऐसे हमारा रास सिस्टम काम करता है, ये हर बार ब्लड प्रेशर को बढ़ाते ही नहीं है, बल्कि कभी कभी हमको तो ब्लड प्रेशर की ही ज़रूरत पड़ती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, लेकिन कभी कभी जो प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको ठीक किया जाता है। तो उसी को ठीक करने में इन मेडिसिन का, यानी कि एसीई इनहिबिटर का यूज़ किया जाता है। तो ये मेडिसिन करेंगी क्या, जैसे कि यहाँ पे एक एंजाइम था एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो इस पर ही जाके ये काम करेंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है हमारी टैबलेट है, यहाँ पे काम करेगी, तो क्या होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा। जब ये कन्वर्ट नहीं होगा, ना ही रिसेप्टर से बाइंड होगा अपने से, ना ही वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। इतना तो इतना, इसके अलावा जो आगे की प्रोसेस हमारी हो रही थी ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी, फाइनली हमारा जो बीपी है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं, देखिए यहाँ पे वही मैंने सारा कुछ दिखा रखा है, ये मतलब कि वही थ्योरी में लिख दिया है। और यहाँ पे कौन कौन से मेडिसिन है उनके लास्ट में देखिए, जो हमारी एसी इनहिबिटर है उनके लास्ट में प्रिल जुड़ा होता है, जैसे कि कैप्टोप्रिल है, इनलेप्रिल है, लिसिनोप्रिल है, रेमिप्रिल है। तो ये मेडिसिन इस तरीके से होती हैं। यहाँ पे यूजेस की बात करें किसको ठीक करने में काम आएंगी, तो वही जो कि हम देख रहे हैं, यानी कि हाई बीपी को ठीक करेंगी, हाइपरटेंशन को, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर CHF को, और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को भी ये दूर करती हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ का जो रिस्क होता है उसको भी ये कम कर देती हैं। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। बात करते हैं सेकंड कैटेगरी जो है वो भी बहुत ही आसान है इससे समझना, जो कि एंजियोटेंसिन सेकंड एंटागोनिस्ट। जैसे कि हमारा एंटागोनिस्ट ये एंजियोटेंसिन सेकंड के जो रिसेप्टर्स हैं उनको जाके ब्लॉक कर देंगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है दिस ड्रग्स वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर प्रेजेंट इन रास सिस्टम। ये भी यही काम करेंगे रास सिस्टम में ही। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड बन जाता था, तो क्या हो कि अगर जो उसके रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रहा है, उन्हीं के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें, तो उसका जो असर है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का वो नहीं होगा, फाइनली बीपी कम हो जाएगा, यानी कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन रुक जाएगा।
यहाँ पे दिखा रखा है जैसे कि एंजियोटेंसिन सेकंड जो कि ब्लू कलर में है, अगर वो अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है तो वो अपना एक्शन दिखाएगा। अगर हम क्या करें रेड कलर में जो है, अगर एक मेडिसिन दे दें और इसको ब्लॉक करवा दें रिसेप्टर को, तो एंजियोटेंसिन अपना एक्शन नहीं दिखाएगा। जब एक्शन नहीं दिखाएगा तो बीपी कम हो जाएगा। ऐसे ही मेडिसिन काम करती हैं। कौन कौन सी मेडिसिन है ये? जैसे कि लोसार्टन है, टेलमिसार्टन है, कैंडेसार्टन है, वालसार्टन है। तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। दो कैटेगरी हमने कवर करी है। नेक्स्ट देखिए जो कि हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जैसे कि हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी कि कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करेंगी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर कैल्शियम का रोल क्या है बीपी को बढ़ाने में। तो अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूँ कि देखिए जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना, वो कैल्शियम की वजह से ही होता है। लास्ट वीडियो में CHF में मैंने बताया था कि जब हमारा ब्लड अच्छे अमाउंट में या बोले तो सफिशियंट अमाउंट में जो हमारा हार्ट पंप नहीं कर पाता है, तो उसका रीज़न यही है कि हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो उसका रीज़न क्या था, वहाँ पे कैल्शियम की कंसंट्रेशन घट जाती थी। यानी कि अगर कैल्शियम आयन है तभी कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगर कैल्शियम आयन बढ़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो ब्लड वेसल जैसे पहले वो चौड़ी थी वो थोड़ी बहुत ही पतली हो जाती है। तो फाइनली हमने करना क्या होगा, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करना होगा, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो मेडिसन्स होती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये सेफ होती हैं डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, अस्थमा के पेशेंट के लिए, हाइपरलिपिडीमिया के भी पेशेंट के लिए। एग्जांपल जैसे कि एमलोडिफिन है, निफेडपिन है, डेल्टेजेम है, बैरापामिल है, ये हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं। मोड ऑफ एक्शन वही है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगी, जो कि कैल्शियम चैनल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में और ब्लड की जो वेसल्स हैं दोनों में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि ये हमारी सपोज करिए ब्लड वेसल की हम बात कर रहे हैं, इतना पोर्शन हम ले रहे हैं, ये ब्लड वेसल है हमारी, तो मतलब ब्लड वेसल की एक सेल है, तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल प्रेजेंट है, जिससे कैल्शियम हमारी सेल के अंदर एंटर करता है और फिर ये सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे फर्दर बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, फाइनली वो मसल कॉन्ट्रैक्शन या बोले तो ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं। क्या हो कि अगर हम ऐसी मेडिसिन दें कि इसी चैनल को यहाँ ब्लॉक करवा दें, तो आगे की जो प्रोसेस है कैल्शियम चैनल का बढ़ना या फिर उनको फिर अपने रिसेप्टर से आके बाइंड होना और मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना, वो रुक जाएगा, यानी कि वैसो कॉन्स्ट्रक्शन रुका, ब्लड प्रेशर हमारा ठीक हुआ। तो ऐसे ही अपना असर दिखाती हैं, वही स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हमने ली, कैल्शियम चैनल ब्लॉक हुए, कैल्शियम फिर एंटर नहीं करेगा, उसके बाद क्या होगा, कैल्शियम की कंसंट्रेशन घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, फाइनली कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी, रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको नजर आएगा, साथ के साथ बीपी भी आपका घट जाएगा। तो ऐसे ही काम करती है। बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से इसके यूज हो सकते हैं, जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन जो हो रहा था वो ठीक हो जाएगा, हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगा, अरिथमिया, रेगुलर हार्ट बीट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, अदर हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी ठीक हो जाएंगी। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है डायूरेटिक्स। देखिए डायूरेटिक्स की बात करें तो ये हमारी वो मेडिसिन हैं जो कि डायूरेसिस कराती हैं, या बोले तो डायूरेसिस क्या होता है, जब यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, हमको बार बार यूरिन आता है, तो उसको हम डायूरेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने एक कॉन्सेप्ट समझना है कि देखिए यूरिन आखिर बनता कैसे है, जैसे कि हमारा ब्लड है, जब वो ब्लड फिल्टर हो जाता है तो फालतू की चीज़ें जो बचती हैं वही तो हमारा यूरिन कहलाता है। यानी कि क्या हो कि अगर हम यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ा दें तो क्या होगा, एक पॉइंट समझना कि थोड़ा बहुत आपका ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, होगा ना होगा, क्योंकि ब्लड से ही तो यूरिन बन रहा है। तो जब यूरिन बार बार हम करेंगे तो ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, जब ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो जो ब्लड का अमाउंट बढ़ाता या फिर जो कंस्ट्रक्शन हमारे ब्लड वेसल्स में हुआ पड़ाता वो जो है ठीक हो जाएगा, हमारा इजिली वहाँ से ब्लड जो है वो फ्लो हो जाएगा, ये तो होगा ही होगा। साथ के साथ यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है, जैसे कि आपने पढ़ाई था कि जब किडनी लास्ट मोमेंट पे जब यूरिन वो सीक्रेट करने वाली होती है, एक्सक्रेट करने वाली होती है, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें जैसे कि सोडियम आयन है, क्लोरीन आयन है या फिर पोटेशियम आयन है, वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में, और जो कि कैल्शियम सोडियम आयन जो है वो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है बीपी को बढ़ाने के लिए, क्या हो कि उनको हम ज़्यादा बाहर निकाल दें, दोबारा से रीअब्जॉर्ब नहीं करा पाए, तो क्या होगा, बीपी हमारा कम हो जाएगा। तो यही इसका मोड ऑफ एक्शन है। देखिए यहाँ पे डायूरेटिक्स का लिखा है कि डायूरेटिक्स वो मेडिसिन है जो कि यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देती हैं, ये डायरेक्टली हमारे किडनी पे जाके काम करेंगी, और जो हमारे कुछ आयन्स हैं जैसे कि सोडियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, ये उसको जल्दी से जल्दी और ज़्यादा अमाउंट में बाहर फेंकेंगी हमारी बॉडी से, और वाटर को भी ये रीअब्जॉर्ब नहीं होने देंगी, यानी कि कम रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि फ्यूरोसेमाइड है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड है, इंडापेमाइड है, स्पाइरोनोलैक्टोन है। तो ये जो है देखिए मोड ऑफ एक्शन मैंने आपको बता ही दिया है क्या है, कि डायूरेटिक्स देखिए क्या करेंगी, यूरिन के
एक्सक्रेशन को बढ़ा देंगे। जैसे ही यूरिन का एक्सक्रेशन बढ़ेगा तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन और वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा, किसमें, ब्लड में, और उसके अलावा ब्लड वॉल्यूम थोड़ा बहुत डिक्रीज होगा और बीपी हमारा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका काम हुआ। बात करते हैं, देखिए डायूरेटिक्स जो है यहाँ पे उनके लिए एक सेपरेट यूनिट यहाँ पे दे रखी है जो कि हमारी यूनिट सेकंड है, जिसमें आप देखोगे डायूरेटिक्स एंड एंटी डायूरेटिक्स। तो पूरा यहाँ पे हम डिटेल में देखने वाले हैं, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिलहाल आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि डायूरेटिक्स हमारी तीन टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला है थायाजाइड। थायाजाइड जो है वो उनका जो इफेक्ट होता है माइल्ड टू मॉडरेट, यानी कि थोड़ा हल्का होता है। किसके बेस पे, मतलब वो हाइपरटेंशन को थोड़ा बहुत कम करती हैं। एग्जांपल आप देखोगे जिसके हाइड्रोक्लोर थायाजाइड है, इंडापेमाइड है एंड मेटालाजोन है, तो इनका भी काम करने का तरीका अलग होता है। मतलब तीन कैटेगरी हैं, तीनों का अलग अलग जगह पे, वो किडनी में नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में भी अलग अलग जगह पे वो काम करेंगी। नेक्स्ट है देखिए लूप डायूरेटिक्स, जो कि काफ़ी हैवी आप बोल सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव आप बोल सकते हैं डायूरेटिक्स होती हैं, जो कि एग्जांपल हैं जिसकी फ्यूरोसेमाइड है, ब्यूमेटानाइड है, काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जो कि मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। हम नेक्स्ट जो सेकंड यूनिट है वहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो भी हम देखेंगे। और इनको हम हाई सीलिंग डायूरेटिक्स भी बोलते हैं, यानी काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, जैसे कि निमारा पोटेशियम स्पेयरिंग, ये जो है पोटेशियम को स्पेयर करके रखती हैं, पोटेशियम को रोक के रखती हैं, बाकी आयंस को बाहर निकालती हैं फटफट से। तो यहाँ पे देखोगे विदाउट लॉसिंग पोटेशियम आयन ये अपना एक्शन दिखाती हैं। एग्जांपल एमलोराइड है, स्पाइरोनोलैक्टोन है, लेकिन ये बहुत ही कम इफेक्टिव होती हैं। तो ये जो सारी तो तीनों कैटेगरी हैं, उनका असर जो होता है या बोले तो काम करने का तरीका जो होता है वो अलग अलग तरीके से काम करती हैं, अलग अलग नेफ्रॉन के पार्ट पे जाके काम करते हैं, वो हम डिटेल में सेकंड यूनिट में देखेंगे, इतना आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो हमारी बीटा ब्लॉकर। तो थोड़ा सा देखिए मैं आपको फ्लैश में ले जाऊंगा, अगर आपने फोर्थ सेमेस्टर सही तरीके से पढ़ा है तो आपने देखिए, या फिर टेंथ ट्वेल्थ में भी आपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट वाला, यानी कि जहाँ पे सपोज करिए हमारे सामने कोई कुत्ता आ गया, कोई शेर आ गया, तो हम जो है बहुत ही तेज़ी से वहाँ पे भागने लगते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। तो कब होती हैं, जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। आखिर वो होता क्यों है ऐसा, तो होता क्या है कि वहाँ पे हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अल्फ़ा बीटा ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं रिसेप्टर से उनके न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड होते हैं। कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि एपिनेफ्रीन है, एपिनेफ्रीन जिसको हम एड्रिनालिन भी बोलते हैं, ठीक है, और नोरएपिनेफ्रीन। तो ये जो है हमारे क्या है, एपिनेफ्रीन, ठीक है। तो ये हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि अपने रिसेप्टर से जब भी बाइंड होते हैं तो हमारा बीपी, हमारा हार्ट रेट, हमारा ब्लड का हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। क्या हो कि अगर हम इन्हीं अल्फ़ा या बीटा जो रिसेप्टर हैं उनको जाके किसी मेडिसिन से ब्लॉक करते हैं तो एपिनेफ्रीन या नोरएपिनेफ्रीन उनसे जाके बाइंड नहीं होंगे। जब वो बाइंड नहीं होंगे तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही है देखिए, बीटा रिसेप्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट। व्हेन सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एपिनेफ्रीन और नोरएपिनेफ्रीन अपने रिसेप्टर से बाइंड होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हार्ट बीट बढ़ती है, और जब हार्ट रेट या हार्ट बीट बढ़ जाती है यानी कि बीपी भी बड़ा होता है। तो बात करते हैं काम करने का तरीका क्या होगा, सिंपली कुछ नहीं करना, दिस ड्रग वर्क्स बाय ब्लॉकिंग बीटा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर को जाके वो ब्लॉक कर देंगे, फिर नोरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा, जब रिसेप्टर से बाइंड नहीं होंगे वो कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी, बीपी कम हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जैसे कि मेडिसिन जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है, आपने अपने घर में अगर देखी भी हो, जैसे कि एटेनोलोल है, मेटोप्रोलोल है, प्रोप्रेनोलोल है, बिसोप्रोलोल है, लेबिटोलोल है, तो ये इस तरीके से बीटा ब्लॉकर हमने यहाँ पे कवर करी है। इसी तरीके से हमारी कुछ अल्फा ब्लॉकर भी हैं, अल्फा ब्लॉकर का भी सेम काम है, जो कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ही एक रिसेप्टर होता है जहाँ पे हमारे वही नोरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जाके बाइंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं, हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। तो क्या हो कि अगर हम अल्फा रिसेप्टर को ही जाके ब्लॉक कर दें, किन मेडिसिन से, डॉक्साजोसिन जैसी मेडिसिन है, टेराजोसिन है, पैराजोसिन है, एल्फोजोसिन है, तो उनसे अगर हम ब्लॉक कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम जो थी हमारी हाई बीपी की वो ठीक हो जाएगी। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि सपोज करिए इस तरीके से कुछ सीन होता है, एक ये है हमारा और एक ये है, ठीक है, तो ये इस तरफ, तो ये जो है ये हमारा
मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर, यानी कि अगर ये यहाँ पे अपने रिसेप्टर से वाइंड होते हैं तो हमारा बीपी बढ़ जाता है, ठीक है, बीपी हमारा यहाँ पे दोनों तरफ बढ़ जाता है। और क्या करें कि अगर हम यहाँ पे कुछ मेडिसिन दे दें, कुछ इसी शेप में कुछ इस तरीके से मेडिसिन यहाँ पे आके लगा दें, इसको फिट करा दें, तो ये हमारे उस न्यूरोट्रांसमीटर से जाके पहले बाइंड हो जाए तो उसको ये ब्लॉक कर देगी, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी। जब रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो ये बेशक कितना ही बढ़ जाए, कितना ही यहाँ पे पास आ जाए, अपने एक्शन नहीं दिखाएगा। जब नहीं एक्शन दिखाएगा यानी कि बीपी नहीं बढ़ेगा। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया। बात करते हैं जो कि हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है, जो कि हमारी वैसोडाइलेटर। तो जैसे कि हमारा वैसोडाइलेटर यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो पहले इस तरीके की कंस्ट्रिक्ट हुई पड़ी हैं, उनको थोड़ा डायलेट कर देंगे, थोड़ा चौड़ा कर देंगे। आखिर ये करेंगी कैसे काम, वही हम देखते हैं। सो सिंपली ये डायरेक्टली जो है हमारी स्मूथ मसल्स पे, जो वेसल्स की, ब्लड वेसल्स की होती हैं, या फिर जो ब्लड वेसल्स होती हैं डायरेक्टली वहीं पर जाके काम करती हैं। तो देखिए सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है कि दीज आर दोज ड्रग विच डायरेक्टली रिलैक्स द वैस्कुलर स्मूथ मसल। जो ब्लड वेसल्स होती है वहीं पे डायरेक्टली काम करती हैं, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करा देती हैं, इसलिए हमारा ब्लड वहाँ से फ्लो होने लग जाता है। तो एग्जाम्पल जैसे कि ड्रग है हमारी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, हाइड्रलाजीन है, नोक्सेडिल है, डाइगोक्साइड है, ये हमारी वैसोडाइलेटर होती हैं। काम करने का क्या तरीका है, तो ये देखिए जो पोटेशियम चैनल्स जो होते हैं ये उनको ओपन कर देती हैं, उनको एक्टिवेट कर देती हैं। जैसे ही पोटेशियम चैनल एक्टिवेट होते हैं स्मूथ मसल में, जैसे कि बात कर रहे हैं कहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले कैल्शियम चैनल दिखाया था ना, ठीक उसी तरीके से मतलब वहीं पे हमारा, जैसे अगर आप जूम करोगे तो जैसे कि मैं अगर थोड़ा सा पीछे दिखाऊं, जैसे हमारा कैल्शियम चैनल था तो यहाँ पे साइड में ही पोटेशियम और सोडियम चैनल भी होता है, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया। तो ये क्या करेगा, सोडियम जो सॉरी जो पोटेशियम जो चैनल है उसको ये एक्टिवेट कर देगा, वहाँ से जो पोटेशियम है वो सेल के बाहर निकलने लग जाएंगे, सेल के आउटसाइड वो निकलने लग जाएंगे। तो क्या होगा, वहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन होगा, बोले तो पोटेशियम में प्लस चार्ज होता है, जब वो बाहर निकल जाएंगे तो अंदर जो है नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम की कंसंट्रेशन फिर घट जाएगी। कैल्शियम जैसे ही घटेगा कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा वहाँ पे, और बीपी भी हमारा कम हो जाएगा। इस तरीके से कुछ वैसोडायलेटर का मोड ऑफ एक्शन है, आपने यही लिख देना है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक ड्रग है हमारी नाइट्रोप्रोसाइड, आप यहाँ पे देखोगे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड थी, तो इसका मोड ऑफ एक्शन थोड़ा अलग है। तो ये करती क्या है, ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करती है जिसका नाम है ग्वानिलेट साइक्लेज एंजाइम। तो ये एंजाइम करता क्या है, ये एटीपी को, जो हमारी एटीपी होती है उसको कन्वर्ट कर देता है सीएएमपी में, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो उसकी कंसेंट्रेशन जब बढ़ती जाती है तो वो हमारा वैसोडाइलेशन कॉज करती है, कौन, सीएएमपी। तो ये हमारी वैसोडाइलेटर एग्जाम्पल आपने ध्यान से याद रखने हैं। लास्ट हमारी कैटेगरी बची है देखिए, वो है हमारी रेनिन इनहिबिटर्स। तो रेनिन इनहिबिटर्स देखिए वो हमारी ड्रग्स हैं जो कि रास सिस्टम पे ही जाके काम करेंगी। रास सिस्टम जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो जैसे अभी आप यहाँ पे देखोगे हमारा रास सिस्टम है, तो यहाँ पे जो रेनिन है किडनी से एक एंजाइम रिलीज हो रहा था जो कि एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर रहा था। क्या हो कि अगर हम रेनिन को ही ब्लॉक कर दें तो आगे की जो प्रोसेस इतनी चल रही थी वो सारी की सारी रुक जाएंगी, यानी कि बीपी हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है हमारी रेनिन इनहिबिटर ये अपना असर दिखाती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एलिस ग्रेन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, इस कैटेगरी की एक ही ड्रग है, तो ये ऐसे अपना असर दिखाती हैं। तो सिंपली देखिए वही जो रास सिस्टम का जो पूरा मोड ऑफ एक्शन है वही मैंने दोबारा से यहाँ पे पूरा लिख दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारी पूरी जो आठ कैटेगरी थी, क्लासिफिकेशन जो हमने किया था ड्रग्स का, वो कवर हो चुका है। तो पूरा यहाँ पे जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है वो हमारी कवर हो चुकी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है वो है क्लासिफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग एंड डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ स्टेटिन्स, या बोले तो HMG को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो इसको देखते हैं। तो देखिए पहले मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में दिखा दूँ कि क्वेश्चन कैसे यहाँ पे ये आया है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो क्वेश्चन पेपर है वो है 2020-21 का, जहाँ पे क्वेश्चन आया था। देखिए क्लासिफाई, अगर नहीं दिख रहा है, क्लासिफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग एंड डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ HMG को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर, 7 मार्क्स में है। इसके अलावा देखिए ये आया था 21-22 में, यहाँ पे आप देखोगे क्लासिफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स एंड एक्सप्लेन मैकेनिज्म एंड साइड इफेक्ट ऑफ स्टेटिन्स, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं 2019-2020 में कहाँ पे आया है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन बुक मतलब कि इसकी जगह मतलब शॉर्ट में ही पूछ लिया गया था।
जो कि आप देख सकते हैं, राइट अबाउट थेराप्यूटिक इंडिकेशंस ऑफ एटोरवास्टेटिन, तो ये भी हमारी उसी कैटेगरी की ड्रग है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसी को देखते हैं। तो देखिए बात करते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है क्या। तो उससे पहले देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ कि देखिए लिपिड क्या होते हैं। आपने पता ही होगा लिपिड आप पढ़ते आए हैं, लिपिड प्रोटीन है और इसके अलावा हमारी और भी अमाइनो एसिड वगैरह है और कार्बोहाइड्रेट वगैरह। तो ये जो है ना हमारी बॉडी के लिए काफ़ी नेसेसरी होते हैं, जो कि हमारी बॉडी मतलब इन्हीं से बनी होती है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं, जो चार पांच चीज़ें हैं। तो लिपिड की बात करें जैसे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, और इसके अलावा हमारी कुछ लिपिड प्रोटीन्स होती हैं, और इसके अलावा फॉस्फोलिपिड हैं जिससे हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है सेल की, फॉस्फोलिपिड। तो ये ना काफ़ी नेसेसरी होते हैं वैसे हमारी बॉडी के लिए। लेकिन देखिए होता क्या है, जब इनका लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, फॉस्फोलिपिड का लेयर बढ़ जाता है, लेवल बढ़ जाता है, तो उससे होता क्या है, जैसे कि आपको पता ही होगा हमारा जो ब्लड है वो बहता है ब्लड वेसल्स में, ठीक है। जब लिपिड का लेवल बढ़ता है तो जो लिपिड है वो हमारी ब्लड वेसल्स में भी बढ़ने लग जाता है, कुछ इस तरीके से ब्लड के बहने में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये जो है हो क्यों रहा है, यानी कि लिपिड जब बढ़ जाता है, लिपिड का लेवल बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिया। हाइपर, हाइपर मीन्स हाई एंड लिपिडेमिया मीन्स लिपिड का लेवल। तो वही हम पढ़ने वाले हैं कि वो ड्रग जो कि इसी लिपिड के बढ़े हुए लेवल को कम करने के लिए दी जाती हैं, वो हमारी एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग कहलाती हैं। यहाँ पे आप देखोगे वही मैंने वर्ड तोड़ दिया है, यहाँ पे एंटी मीन्स होता है अपोज, हाइपर मीन्स हाई एंड लिपिडेमिक मीन्स लिपिड। सो लिपिड जब बढ़ जाता है उसी को ठीक करने में जो मेडिसिन दी जाती है उनकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे वही लिख रखा है। और मैंने पहले बता दिया कि लिपिड क्या है, लिपिड हमारे एस्टर होते हैं फैटी एसिड के, जो कि एल्कोहल के साथ होते हैं। तो ये आप वैसे तो सेकेंड सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हैं, जब आपने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड अमाइनो एसिड सारा कुछ पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री में, तो वहीं पे आपने ये पढ़ा होगा लिपिड के बारे में। तो बात करते हैं जब हाइपरलिपिडेमिया हो जाता है, यानी कि लिपिड का लेवल जब बढ़ जाता है, तो कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है, ब्लड वेसल्स वगैरह जो है वो यहाँ पे इस तरीके से उसमें लिपिड का प्लग बनने लगता है, उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, और इसके अलावा कुछ अदर भी कोरोनरी आर्टरी डिसीज वगैरह हो जाती हैं। बात करते हैं देखिए सिलेबस में हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे फार्माकोलॉजी सेकंड में ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक जो ड्रग है ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और जैसे कि आप देखोगे ये जो ड्रग है हमारी कौन सी वाली ड्रग है, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि जो कि हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड जो सिस्टम होता है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो वही तो ये काम कर रही है, मतलब कि जब लिपिड बढ़ जाता है तो ये ब्लड वेसल्स में ही इकट्ठा हो जाता है, तो ये वही एक डिसीज है हाइपरलिपिडेमिया। तो यहाँ पे देखिए आपने सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना है, ये हमारा क्वेश्चन 7 मार्क्स में आया था, आपने कितना लिखना है कैसे लिखना है वो सारा कुछ आपको यहाँ नज़र आ जाएगा, और ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो मतलब शुरू से सारे जो लेक्चर्स हैं, मतलब जो हमारे क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे हम बात करते हैं क्या क्या सिम्टम्स हैं हाइपरलिपिडेमिया के, तो देखिए वैसे तो इससे कोई सिम्टम खास नज़र नहीं आते, हमने मतलब डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट कराना होता है जिसका नाम है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट या लिपिड पैनल टेस्ट। तो फिर भी कुछ सिम्टम्स जो कि आप देख सकते हैं जब आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, ओबेसिटी हो जाएगी, डायबिटीज़ भी हो सकती है, और उसके बाद जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा तो आपको बहुत ही कम भूख लगेगी और फैटिग यू थकान वगैरह होगी, चेस्ट पेन हो सकता है और लिवर में भी पेन वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ इसके यहाँ पे सिम्टम्स हैं, बात करते हैं क्या क्या इसके कॉजेज हैं, जो कि देखिए सबसे पहले हैविंग हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि जो थायरॉयड ग्लैंड होती है जब वो ज़्यादा अपना हार्मोन सीक्रेट करती है तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अनबैलेंस्ड डाइट एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आपकी डाइट अच्छी खासी ठीक नहीं है, लिपिड आप ज़्यादा ही ले रहे हैं, फैट कुछ ज़्यादा ही ले रहे हैं और कोई फिर एक्टिविटी भी नहीं कर रहे फिजिकल एक्टिविटी, तब भी आपको प्रॉब्लम ये हो जाएगी। इसके अलावा स्मोकिंग या अल्कोहल वगैरह आप कुछ ज़्यादा ही कंज्यूम कर रहे हैं एंड एक्सेस कंजप्शन ऑफ यहाँ पे था एनिमल फैट, अगर आप फैट्स वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं तब भी आपको प्रॉब्लम होगी और ये एज के साथ भी हो जाती है, और जब आपको किडनी से रिगार्डिंग रिलेटेड कोई डिसीज होती है तब भी प्रॉब्लम आपको देखी जाती है। ठीक है, ये तो सिंपली चीज़ें हैं, बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमने यहाँ पे समझना है, तो देखिए वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। तो आप यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ जैसे कि क्वेश्चन में आया था, तो ज़्यादातर
जो पूछा गया था वो यही था, कौन सा HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर, या फिर बोले तो वही दूसरी लैंग्वेज में क्या था, एंटी हाइपरलिपिडेमिक एंड स्टैटिन, यानी कि स्टैटिन और वो दोनों सेम ही हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी, पहले तो आपने क्लासिफाई करने है कि कौन कौन से ड्रग हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक, वो मैंने यहाँ पे क्लासिफाई कर रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले है वही HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर, इसको ही हम स्टेटिन बोलते हैं। तो ये मैंने हाईलाइट क्यों कर रखी है, क्योंकि यही ज़्यादातर क्वेश्चन में आती है, और इसी की फार्माकोलॉजी, साइड इफेक्ट, थेराप्यूटिक यूज, मोड ऑफ एक्शन वगैरह आपने सारा कुछ बताना होगा, या फिर किसी नेम से भी आ सकते हैं, जैसे कि गिव द फार्माकोलॉजी ऑफ लोबास्टेटिन, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन एक आया था राइट द थेराप्यूटिक इंडिकेशन ऑफ एटोरवास्टेटिन, तो यहाँ पे ये इस नेम से आ गई थी, तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसको तो अभी हम डिटेल में ही देखेंगे, बाकी बात करते हैं और भी क्लासेज हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग की, जो कि बाइल एसिड सिक्योस्ट्रेंट्स, जिनको हम रेजिन्स भी बोल सकते हैं। तो इनका जो काम है वो बाइल एसिड से बाइंड होकर के होता है, ये बाइल एसिड से बाइंड होते हैं और जो हमारे लिपिड का एब्जॉर्प्शन होता है ये उसको कम कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके से काम करते हैं। इनमें मेडिसन है जैसे कि कोलेस्ट्रिपॉल है और कोलेस्ट्राइअमीन है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव, जिनको हम फिब्रेट्स भी बोलते हैं, फाइब्रेट्स आप बोल सकते हैं, तो क्लोफिब्रेट है, फेनोफिब्रेट है, सिप्रोफिब्रेट है, बेंजाफिब्रेट है, इसकी मेडिसन है, जो कि मतलब फिब्रिक एसिड से ही ये डेराइव होती है, उनके केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर इनको नेम दे दिया है। नेक्स्ट जो कि पायरिडीन से डेराइव होती हैं, जैसे कि निकोटिनिक एसिड है, निकोटिनामाइड है, तो ये भी हमारी एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग हैं। नेक्स्ट देखिए कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, ये वो ड्रग हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देती है, जैसे कि एजिटिमिब, और लास्ट में हम जो कि हमारा एक लास्ट कैटेगरी आप बना सकते हैं, मिसलिनियस हैं कुछ ड्रग, जैसे कि प्रोबुकॉल है और डेक्स्ट्रोथायरोक्सिन है, या वीटासिटोस्टिरोल है। तो यहाँ पे आप देखो कि सारी ड्रग मैंने क्लासिफाई करी हैं। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी होगी स्टेटिन के अंदर, कि इनमें जो सफिक्स है हर एक में स्टेटिन जुड़ा होगा, स्टेटिन 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 स्टेटिन, तो जिसके भी लास्ट में स्टेटिन आपको नज़र आ जाए, आप मार्केट में भी जाएं, अगर आपको किसी भी मेडिसिन में स्टेटिन सफिक्स जुड़ा मिल जाए तो आप समझ जाना कि ये ड्रग जो है लिपिड के लेवल को कम करने के लिए दी जाएगी। तो ये आपने समझ लिया, बात करते हैं इसी के बारे में डिटेल में कि क्या है हमारे स्टेटिन्स या HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं ये HMG को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर जो कि हमारे स्टेटिन है, तो जैसे कि नेम में आ रहा है HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज, एज यहाँ पे जुड़ गया, यानी कि ये किसी चीज़ का रिडक्शन कर रहा होगा, यानी कि उसको ये रिड्यूस कर रहा होगा, और ये एक एंजाइम है, और ये वही मेडिसन है जो कि इस एंजाइम को रिड्यूस कर इनहिबिट करके, या बोले तो उसके एक्शन को ब्लॉक करके अपना असर दिखाएंगे। तो वही लिखा है दी ड्रग्स वर्क्स बाई इनहिबिटिंग HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम, जिसकी फुल फॉर्म है HMG को एंजाइम की फुल फॉर्म है 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl को एंजाइम ए, तो ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए आपने ये समझना है ये हम ऐसी मेडिसिन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये इस एंजाइम को ब्लॉक कर रही है, क्यों ब्लॉक कर रही है, तो देखिए कहीं ना कहीं इस एंजाइम का रोल होगा कोलेस्ट्रॉल के बनने में या फिर लिपिड के बनने में, तभी हम इसको ब्लॉक कर रहे हैं। जब हम इस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस या बोले तो लिपिड की सिंथेसिस रुक जाएगी, वो अभी हम मोड ऑफ एक्शन में देखेंगे। तो बात करते हैं जो यहाँ पे हमारे ये स्टेटिन है, ये दो टाइप्स के हमने क्लासिफाई कर दिए हैं, दो टाइप्स में, एक है नेचुरल जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं, और कुछ हैं जो कि हम केमिकली उनको सिंथेसाइज करते हैं लैब में जाके। तो नेचुरल के अंदर आते हैं लोबास्टेटिन, पैरावास्टेटिन एंड सिम्बास्टेटिन, सिंथेटिक के अंदर आते हैं एटोरवास्टेटिन एंड फ्लूबास्टेटिन, ठीक है। बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो है आपका देखिए मोड ऑफ एक्शन कि कैसे हमारी ये ड्रग काम करेंगे। तो जो हमारी जैसे कि मैंने बोला स्टेटिन जो है इस एंजाइम को यानी कि HMG को एंजाइम रिडक्टेज को इनहिबिट कर देंगी, और इस एंजाइम का काम क्या होता है जिसको हम बार बार बंद करने की बात कर रहे हैं, तो ये जो एंजाइम है HMG को एंजाइम ए, ये एक हमारा केमिकल है HMG को एंजाइम ए, इसको कन्वर्ट कर देती है मेवलोनेट में, और मेवलोनेट जैसे ही बनता है फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल के जो बनने की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल और एर्गोस्ट्रॉल बनना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे बेटर आप समझोगे, देखिए यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, देखिए ये जो है सिंथेसिस है कि कैसे हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है या बोले तो कैसे लिपिड बनता है। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले एक हमें केमिकल की ज़रूरत होती है, वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और
उसको एक एंजाइम जो कि एसिटो एसिटाइल को एंजाइम ए थायोज है वो कन्वर्ट कर देता है एसिटो एसिटाइल को एंजाइम ए में, ठीक है। उसके बाद फिर एक एंजाइम काम करता है एच एम जी को एंजाइम ए सिंथेज, जैसे कि हमारा सिंथेज, तो ये एच एम जी को एंजाइम ए को सिंथेसाइज करेगा किससे, एसिटो एसिटाइल को एंजाइम ए से। तो जब यहाँ पे असली काम हमारे ड्रग यहाँ पे करने वाली है, जब हमारा ये केमिकल बोले तो एच एम जी को एंजाइम ए सिंथेसाइज हो जाता है, तो यहाँ पे फिर एक और एंजाइम काम करता है जो कि एच एम जी को एंजाइम ए रिडक्टेज है, यानी कि ये इसको रिड्यूस कर देगा, ये हमारा केमिकल जो बना है इसको रिड्यूस करके मेबलोनेट में कन्वर्ट कर देगा। तो इस मेबलोनेट से स्क्वालीन बनता है जो कि एक एंजाइम की हेल्प से बनता है, और स्क्वालीन से ही हमारा कोलेस्ट्रॉल और एर्गोस्ट्रॉल बनता है जो कि हमारे लिपिड होते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर बात करें, ये जो मेडिसिन है हमारी स्टेटिन, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रग ये बना रखी है दिखा रखी है, ये क्या करेंगी, इस एंजाइम को जाके इनहिबिट कर देंगी। सपोज करिए अगर हमारी ये एंजाइम यहाँ पे इनहिबिट हो गई, ये इतनी चीज़ यहाँ पे रुक गई, तो बाकी आगे की जो प्रोसेस है, यानी कि जो हमारा मेबलोनेट यहाँ पे बन रहा है, ये इतनी जो प्रोसेस है ये बिल्कुल रुक जाएगी, और जो हमारे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एंड में बन रहा है वो भी रुक जाएगा। वही तो हमने करना था, जो कि हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा बढ़ गया था तो वो बढ़ना बंद हो जाएगा, हमारी जो प्रॉब्लम थी एथेरोस्क्लेरोसिस की या हाइपरलिपिडेमिया की वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ही आप भी बना करके आ जाना, मोड ऑफ एक्शन आपको मतलब आप अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं, इस तरीके से आपने लिखना है। नेक्स्ट में इसके आपने यूजेस बता देने हैं, स्टेटिन्स के क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहले वही हाइपरलिपिडेमिया को ठीक करेंगे, और जो सेकेंड पॉइंट आप बना सकते हैं कि हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जो कि मतलब कि अगर हमारी ब्लड वेसल्स में कोई प्लेक बन जाता है लिपिड का, वो उसकी वजह से हो जाती है, तो उनका भी जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाएगा। और ये एथेरोस्क्लेरोसिस को भी ठीक करेंगी, एथेरोस्क्लेरोसिस वही जो कि मैंने दिखाया था यहाँ पे, जैसे कि वही जो ये ब्लड वेसल्स में प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है उसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। जब लिपिड का लेवल कम हो जाएगा तो यहाँ पे ये लिपिड इकट्ठा ही नहीं होगा, यहाँ पे इसका ये रोल है। इसके अलावा ये हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, यानी कि नॉर्मली बोले तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी ये कम करेंगी। तो ये हमारे मेडिसन हुई। लास्ट में बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि जो उनको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो वैसे तो जो स्टेटिन्स होते हैं वो वेल टॉलरेटेड होते हैं, मतलब कि कोई ज़्यादा खास इनके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ साइड इफेक्ट आप लिख सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली हैं, जैसे कि हार्ट वन मतलब कि आपके जो जी आई ट्रैक्ट है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है, आपको एसिडिटी वगैरह हो सकती है, इसके अलावा चेस्ट में पेन हो सकता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी बोले तो लिवर के अंदर टॉक्सिसिटी हो सकती है, इसके अलावा बोले तो रेसेस हो सकते हैं, आपकी स्किन पे कुछ रेड रेड पेजेस देखे जा सकते हैं, डायरिया हो सकता है आपको, हेडेक, डिजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग, जो कि नॉर्मल है ये तो हो ही जाते हैं, तो ये तो आप किसी में भी साइड इफेक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जो आपका टॉपिक था, ये पूरा जो हमारा क्वेश्चन था, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है सारा, आप देख सकते हैं 7 मार्क्स के हिसाब से काफ़ी है, और एक पेज 2 3 4 5 6 मतलब फिर भी मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ तो शायद ये और भी छोटे में आ जाए, तो मतलब कि 4 या 3 पेज में आप कुछ इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, यानी कि ये जो हमारी यूनिट फर्स्ट थी, यूनिट फर्स्ट में जो हमारे 3 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने सेलेक्ट करके आपको दिए थे, कौन कौन से थे क्वेश्चन, एक हमारा सीएचएफ से था, एक हमारा एंटी हाइपरटेंसिव से था, एक एंटी हाइपरलिपिडेमिक से था। तो तीनों हमने कवर कर लिए हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो सेकंड यूनिट से करेंगे। आज जो सेकंड यूनिट है वहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि पहला है राइट एंड नोट ऑन ड्रग्स यूज इन थेरेपी ऑफ शॉक। शॉक को कौन कौन से ड्रग्स से हम ठीक करते हैं, या ड्रग कौन कौन से यूज किए जाते हैं उसकी थेरेपी में, उनकी हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी की। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वैसे मैं आपको यहाँ पे सिलेबस में दिखा दूँ कि सेकेंड यूनिट में ये जो पोर्शन है ड्रग यूज इन द थेरेपी ऑफ शॉक, ये पूरा आपका कवर होने वाला है। तो बात करते हैं, देखिए वही यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, और कैसे क्वेश्चन आया है एक बार मैं अभी वो भी दिखा दूँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था, देखिए 7 मार्क्स में, जो है राइट ए नोट ऑन ड्रग्स यूज इन द थेरेपी ऑफ शॉक, शॉक को ठीक करने में कौन कौन से ड्रग यूज की जाती है, 7 मार्क्स में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शॉक क्या है। देखिए यहाँ पे शॉक का मतलब ये वो वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला शॉक नहीं, ये थोड़ा हटके शॉक है। तो बात करते हैं शॉक कहने का क्या मतलब है। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं सिलेबस दिखाऊं, यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो भी डिसीज है उनके ऊपर कौन कौन सी ड्रग एक्ट करती है, उनकी फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी कि हार्ट से रिलेटेड ये भी हमारी कोई डिसीज होगी, या फिर हमारी जो वेसल्स होती हैं
ब्लड वेसल, उनसे रिलेटेड कोई डिसीज होगी। तो सौ कहने का मतलब क्या है, आप ऐसे समझें जैसे कि हमारी बॉडी में जो बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी की, वो सेल है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन जो है हमारे उसके काम करने के लिए हमेशा जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन से ही हमारा एटीपी बनता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, और साथ के साथ ब्लड की सप्लाई जब होगी तभी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। यानी कि ब्लड और ऑक्सीजन दोनों नेसेसरी है हमारी बॉडी के किसी भी फंक्शन के लिए। तो क्या हो कि अगर एक साथ हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाए, यानी कि हमारे जो टिश्यूज है जो काम कर रहे हैं जिनसे हमारी बॉडी का पूरा फंक्शन चल रहा है, या बोले तो जो ऑर्गन्स हैं जो कि कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, लाइक जैसे कि किडनी है, लिवर है, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो वो अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिले तो उस कंडीशन को बोलते हैं शॉक। यानी कि अगर हमारी जो भी बॉडी है बोले तो उनके ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, या इनडायरेक्टली बोले तो ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, उस कंडीशन को हम शॉक बोलते हैं। तो सिंपली देखिए वही लिख रखा है, इट इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, यानी कि जानलेवा कंडीशन होती है अगर एक साथ ही अगर ऑक्सीजन रुक जाए, जिसमें होता क्या है कि सडनली ब्लड और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है बॉडी को वो रुक जाती है, तो उसी को हम शॉक बोलते हैं। इससे होगा क्या कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, हमारा लीवर काम करना छोड़ सकता है, हमारी किडनी काम करना छोड़ सकती है, हमारे पैनक्रियाज है, और भी बहुत सारे इंटेस्टाइन वगैरह, मतलब वो सभी को एनर्जी चाहिए होती है जो कि ऑक्सीजन से ही मिलती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा हार्ट भी फेल हो सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, तो इतनी लाइफ थ्रेटनिंग ये कंडीशन है। तो इसी को हम पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन सी जो ड्रग है इनको ठीक कर सकती हैं जब ये कंडीशन हो जाती हैं, तो वो बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो हमारा शौक होता है ये चार पांच टाइप्स का होता है। जैसे कि बेसिक आपने कंडीशन समझी कि यानी कि ऑक्सीजन की कमी होगी, साथ के साथ ब्लड की सप्लाई कम होगी, ये जो है रिजल्ट है किसका, जब शौक हमको हो जाता है। तो ये कैसे कैसे होगा, मतलब कितनी तरीके से हो सकता है, टाइप क्या है। सबसे पहला हाइपोवोलेमिक, हाइपो का मतलब होता है देखिए आप जैसे कि हाइपो का मतलब होता है लो, और एक होता है हाई, हाइयर जो मतलब कि वो तो ज़्यादा होता है, ठीक है। हाइपो का मतलब लो प्लस वोलेमिक शॉक, यानी कि जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, जब ब्लड का ही अमाउंट कम हो जाता है किसकी वजह से, सपोज एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, या फिर कोई अदर प्रॉब्लम होगी, ब्लीडिंग होगी, तब मतलब ब्लड का अमाउंट कम होगी, तो वो कंडीशन हाइपोवोलेमिक शॉक कहलाएगी। दूसरा है कार्डियोजेनिक शॉक, यानी कि हमारा जो ब्लड है किसके द्वारा पंप किया जाता है, हार्ट के द्वारा। अगर क्या हो कि हार्ट ही ब्लड को पंप नहीं करे अच्छी तरीके से, हार्ट फेलियर हो जाए, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो कवर करी थी CHF की, तो तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है किसकी, शॉक की। इसके अलावा सेप्टिक शॉक, सेप्टिक जैसे कि नाम हमारा सेप्सिस से आ रहा है, यानी कि जब बैक्टीरियल या बोलते माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है न्यूरोजेनिक शॉक, जैसे कि न्यूरो प्लस जेनिक, यानी कि जब न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम हो जाती है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से जो शॉक होता है वो न्यूरोजेनिक शॉक होता है। इसके अलावा है एनाफाइलेटिक, एनाफाइलेटिक एक हमारी रिएक्शंस होती हैं जो कि जैसे कोई ड्रग रिएक्शन कर जाती है, कोई हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, या बोले तो इरिटेशन वगैरह हो जाती है, वो कंडीशन हमारी कहलाती है एनाफाइलेसिस। तो उसकी वजह से जब शॉक हो जाता है उसको हम बोलते हैं एनाफाइलेटिक शॉक। तो ये पांचों आपको समझ आ गए, थोड़ा इनका यूज अभी आएगा तो वो हम बात करेंगे। तो इंट्रो आपको समझ आया कि क्या है हमारा शौक, कितने टाइप्स के होते हैं, ये आपने इस तरीके से लिखना होगा। बात करते हैं कॉजेज क्या है। देखिए कॉजेज बोले तो ऑक्सीजन की सप्लाई को या फिर ब्लड की सप्लाई को कौन कौन सी चीजें रोक सकती है। सबसे पहला देखिए ब्लड लॉस हो जाए, एक साथ ही आपकी इंजरी हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, कहीं पर आपका एक्सीडेंट हो जाए, तब प्रॉब्लम आपको होगी। इसके अलावा सिवियर बर्न, अगर आप बहुत ज़्यादा जल जाएं तब भी आपको एकदम ब्लड की या बोले तो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी आपके फंक्शन आपके ऑर्गन्स के लिए। ट्रॉमा वही इंजरी वगैरह हो जाना कहीं पे। इसके अलावा हार्ट में स्ट्रोक हो जाना, हार्ट का फेल हो जाना, वो भी कंडीशन आपको क्या करेगी, ब्लड या बोले तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करने देगी। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं बहुत सारी, जिसमें कि हमारी ड्रग रिएक्शन कर जाती है तब भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा सिवियर इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का, तो तब भी ये प्रॉब्लम होती है। पॉइजनिंग एंड वेजो कंस्ट्रक्शन, तो ये इसके कॉजेज हैं, ये अभी हम देखेंगे जब ट्रीट करेंगे तो इन्हीं को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और सिम्टम की बात करें तो देखिए आपकी स्किन येलो हो सकती है। देखिए जब आपको ब्लड ही नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, तो आपकी जो स्किन है वो येलो येलो दिखेगी, पीली पीली नजर आएगी। आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी, इवन कि आपको देखिए वहाँ पे पसीने भी आते रहेंगे तब भी वो ठंडी बहुत ज़्यादा महसूस होगी। आपकी ब्रीदिंग, सांसें धड़कने बड़ी होंगी। इसके अलावा वीकनेस, फैटी की थकान होगी। आपकी जो प्यूपिल्स हैं आँखों में बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाएंगी।
पल्स बड़ी रहेंगी, बीपी कम रहेगा और यूरिन का जो आउटपुट है बोले तो जैसे जो डेली रूटीन होता है वो चेंज हो जाएगा और बहुत ही कम यूरिन आएगा। ये इसके सिम्टम हुए। बात करते हैं जो मेन मुद्दा है हमारा, वो है ड्रग जो कि यूज़ की जाती है इस कंडीशन को ठीक करने के लिए। कौन कौन सी है उनको हमने क्लासिफाई कर रखा है। देखिए 7 टाइप्स की यहाँ पे ड्रग्स हैं, उनके अलग अलग कॉजेज के बेस पे वो मतलब कि ड्रग काम करेंगी, कि कौन सी ड्रग कैसे काम करेगी वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहला है सिंपैथोमिमेटिक एसेंट, दूसरा अल्फा ब्लॉकर, तीसरा है कार्डियोकोस्टेरॉइड एंड ऑक्सीजन एंड कार्डिक ग्लाइकोसाइड, ग्लूकागोन एंड डेक्सट्रांस। आसान है बहुत ही समझना। वो सबसे पहले देखिए बात करते हैं, वो है सिंपैथोमिमेटिक एसेंट। जैसे कि नेम आप समझ लीजिए कि मतलब क्या है। सिंपैथो का मतलब है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम आपका फाइट एंड फ्लाइट वाला हो जाता है बोले होता है बोले तो, जब आपके पीछे कुत्ता या फिर शेर अगर आ जाए तो उस टाइम पे आप बहुत ही ज्यादा तेज भागने लग जाते हैं, आपकी हार्ट रेट, आपकी हार्ट बीट या बोले तो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। उस टाइम पे जो नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। मिमेटिक का मतलब है मिमिक, यानी कि कॉपी करना, सेम काम करना। तो ये जो है वो ड्रग है जो कि सेम वही काम करेंगी जो कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। सो दीज आर दोज ड्रग विच गिव द सेम एक्शन एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, या बोले तो कॉपी द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं कि ये कैसे हमारे इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगी। देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है बोले तो, वो आपकी हार्ट रेट को बढ़ा देता है। हार्ट रेट कब बढ़ेगी, वो कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जब हमारा हार्ट, ये सपोज करिए हमारा हार्ट है, अगर वो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी। किसको, हमारे टिश्यूज को। वही तो हमने करना था, जो कि ब्लड की सप्लाई कम थी। जब ब्लड हमारा ज्यादा जाएगा तो ब्लड से ही तो हमारी ऑक्सीजन जाती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से कुछ काम करेंगी। मोड ऑफ एक्शन में वैसे हम देख ही रहे हैं अभी। तो बात करते हैं एग्जाम्पल की, जैसे कि एड्रिनलिन है, नोर एड्रिनलिन है और डोपामिन है। तो ये तो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर ही होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जो कि हम सिंथेसाइज भी कर लेते हैं इनको बाहर, तो उनको भी हम देते हैं एज ए मतलब कि सिंपैथोमिमेटिक एजेंट। एंड डोब्यूटामिन और मेटरमिमिनोल, तो ये हमारे सिंथेटिक एजेंट है, ये हमारे ड्रग के नेम है। बात करते हैं काम कैसे करेंगे। तो ये जो है हमारे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में दो रिसेप्टर होते हैं, अल्फा रिसेप्टर बीटा रिसेप्टर, तो ये वहां पे जाके बाइंड होंगे, उनको एक्टिवेट करेंगे और उनका जो काम है वो अपना काम करेंगे। सो दिस ड्रग वर्क्स बाय बाइंडिंग अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि दिखा रखा है ये हमारी ड्रग है, ये अल्फा रिसेप्टर है, ये बीटा रिसेप्टर है, ये इनसे बाइंड हुई, ठीक है। बाइंड होने के बाद ये करते क्या है आपको बताइए, कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही बढ़ेगा हार्ट रेट आपकी बढ़ जाएगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, यानी कि जो ब्लड जो पंप हो रहा है पर मिनट उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, यानी कि ब्लड की सप्लाई आपको आपकी जो टिश्यूज है वहां पे बढ़ जाएगी। ब्लड जैसे ही सप्लाई ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन भी ज्यादा सप्लाई होगी, और फाइनली जो हमारी प्रॉब्लम थी यानी कि लो ब्लड सप्लाई या बोले तो लो ऑक्सीजन सप्लाई वो ठीक हो जाएगी। वही तो था हमारा शौक। तो यहाँ पे इस तरीके से काम करने वाली है। इसके बाद देखिए सेकंड है हमारे अल्फा ब्लॉकर, तो ये वो मेडिसिन है जो कि अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी। ये वही है अल्फा रिसेप्टर जो यहाँ पे है। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी, अभी तो हम इसी को एक्टिवेट कर रहे थे किसके लिए, मतलब हार्ट रेट को या बोले तो ब्लड की सप्लाई को बढ़ाने के लिए। लेकिन देखिए होता क्या है, जब भी हमारे ये रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं ना, तो ब्लड जो वेसल्स होते हैं उनको कंस्ट्रिक्ट भी करते हैं। जो हमारे ब्लड वेसल, जैसे कि ये इस तरीके से एक नॉर्मल ब्लड वेसल है, तो ये जो जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं ज़्यादा ही, तो ये इसको और ज़्यादा पतला कर देते हैं, इनको इनको कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो इसको थोड़ा डायलेट करने के लिए इन मेडिसन्स को हम देते हैं, यानी कि अल्फा ब्लॉकर को, जिससे कि जो अल्फा रिसेप्टर वो ब्लॉक हो जाएगा और कंस्ट्रिक्शन जो है ब्लड वेसल में वो रुक जाएगा। ब्लड वेसल की बात कर रहे हैं, लेकिन हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। तो यहाँ पे वही है, दीज ड्रग्स आर अल्फा ब्लॉकर रिसेप्टर और सॉरी अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर विच ब्लॉक अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल है प्राजोसिन है, टेराजोसिन है, डॉक्साजोसिन है, फेनोक्सीबेंजामिन है एंड फेंटलामिन है। तो ये है इसके एग्जाम्पल। बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन, जैसे कि मैंने बताई दिया, जो अल्फा रिसेप्टर वहां पे जाके हमारी ड्रग बाइंड होगी और उसको ब्लॉक कर देगी। अगर सपोज करिए हमारी ड्रग यहाँ पे नहीं थी, तो यहाँ पे एड्रिनलिन या नोर एड्रिनलिन जो कि अपने अल्फा रिसेप्टर से वाइंड होते हैं और वहां पे वो वैजो कंस्ट्रक्शन करते, वहीं हमने ड्रग दे दी, उसने उसको ब्लॉक कर दिया, हमारे जो जो पहले कंस्ट्रिक्ट हुई पड़ी थी जो ब्लड वेसल वो थोड़ी डायलेट हो जाएगी। अब ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, ज्यादा ब्लड बहेगा, जब ज्यादा ब्लड बहेगा यानी कि ऑक्सीजन भी ज्यादा जाएगी, जब ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वही तो हमने करना था, ब्लड की सप्लाई या बोले तो ऑक्सीजन की सप्लाई जब कम हुई थी तब हमको वो प्रॉब्लम हुई थी।
नेक्स्ट बात करते हैं वो कॉर्टिको स्टेरॉइड। बात करते हैं जैसे कि नेम हमारा स्टेरॉइड, तो हमारे स्टेरॉइडल ड्रग होती है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी की प्रॉपर्टी होती है। बात करते हैं इनके, जैसे कि मैंने टाइप आपको दिखाए थे यहाँ पे शॉक के, और उसी वजह से मैंने टाइप बताए थे। यहाँ पे एक टाइप है एनाफाइलेटिक शॉक, यानी कि जो कि जब ड्रग रिएक्शन कर जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, तब ये प्रॉब्लम होती है। तो ये जो है उसी, यानी कि जब ड्रग रिएक्शन कर जाती है तो उन्हीं के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो हमारी स्टेरॉइडल ड्रग होती है। तो ये जो है उसी उसी का जो हमारा शौक है उसी को ठीक करने के काम आएगी। तो बात करते हैं कॉर्टिको स्टेरॉइड मेनली यूज टू ट्रीट सेप्टिक शौक एंड एनाफाइलेटिक शौक, जो बैक्टीरियल शौक होता है उसको भी ठीक करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो होता है। सो दिस पॉजिटिव इनोट्रॉपिक इफेक्ट एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड आल्सो सप्रेस इम्यून सिस्टम। इनका काम क्या होगा, ये इम्यून सिस्टम जो होता है, यानी कि जैसे कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, या बोले तो वो हाइपर सेंसिटिव जब हो जाता है तो उसकी सेंसिटिविटी को कम करने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए ये मेडिसिन काम करेंगे। एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिजोन है, डेक्सामिथाजोन है, प्रेडिनिसोलोन है और मिथाइल प्रेडिनिसोन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसकी बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन, कुछ नहीं है, हमारी ड्रग जो है अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड होगी, ग्लूकोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर। जैसे ही उससे ये बाइंड होगी तो ये इन्फ्लामेशन जो हो रही थी या इन्फ्लामेटरी जो रेस्पॉन्स था उसको ये कम कर देगी, या रिएक्शन जो हो गई थी उसको ये मतलब कि इनहिबिट कर देगी। इसके साथ साथ इसका एक और काम होता है, ये जो हमारा इसका इनोट्रॉपिक इफेक्ट भी होता है। इनोट्रॉपिक कहने का मतलब क्या है, ये जो है जो हमारा हार्ट है उसको भी थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कराएगी, और इसके अलावा जो हमारे ब्लड वेसल है ये उनको डायलेट कराने का काम करेगी। जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड वेसल थोड़ी डायलेट होंगी, तो ब्लड की सप्लाई हमारे टिश्यूज को बढ़ जाएगी। जब जैसे ही हमारी ये टिश्यू को सप्लाई बढ़ेगी ऑक्सीजन की, बोले तो ब्लड की, तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो ये ऐसे काम करेंगी। और नेक्स्ट देखिए वो हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे, देखिए जो मेन पॉइंट था हमारा वो ये था कि हमारे टिश्यूज को या हमारे ऑर्गन को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, या बोले तो ब्लड की सप्लाई कम हो रही थी। क्या हो कि हम डायरेक्टली ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करने लग जाएं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो पूरी तरीके से होगी और जो रिक्वायरमेंट है उनकी पूरी हो जाएगी। तो वही है कि अगर हम डायरेक्टली ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं तो उसकी थेरेपी में ये मतलब ऑक्सीजन यूज किया जाता है और हमारा शौक ट्रीट हो जाता है, बोले तो वो मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे समझ आ गया। बात करते हैं देखिए कार्डिक ग्लाइकोसाइड। तो जैसे कि अगर आपने देखिए फर्स्ट वीडियो देखी हो जिसमें हमने CHF देखा था, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो उसमें हमने बात करा था कार्डिक ग्लाइकोसाइड के बारे में। तो ये वो ड्रग होती है जो कि डायरेक्टली हार्ट की मसल पे काम करती है और वहां पे सोडियम पोटेशियम एक चैनल होता है उसको ब्लॉक करके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है। जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा यानी कि ब्लड की सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ी जाएगी। तो एग्जाम्पल इसके डाइगोक्सिन है, डिजिटॉक्सिन है। मोड ऑफ एक्शन इनके ड्रग डायरेक्टली हार्ट के मसल पे काम करेगी, सोडियम पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेगी जिससे कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा, ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी। यह है इसका मोड ऑफ एक्शन, आसानी से आप लिख सकते हैं। और लास्ट में बात करते हैं देखिए वो हमारा डेक्सट्रान, या बोले तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। मतलब समझिए देखिए प्लाज्मा वॉल्यूम यानी कि जो ब्लड वॉल्यूम होता है, या बोले तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा का भी एक वॉल्यूम होता है तो उसको हम प्लाज्मा वॉल्यूम बोलते हैं। प्लस एक्सपेंडर यानी कि इंक्रीज करना, यानी कि वो सारी चीजें जो कि ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसके अमाउंट को बढ़ाती है तो हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर कहलाते हैं। तो होता क्या है कि सपोज करिए अगर आपको आपको कहीं पे ब्लड लॉस हो गया है, या बोले तो आपको इंजरी वगैरह हो गई या एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में वही प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर यूज किए जाते हैं ब्लड की पूर्ति करने के लिए। जैसे ही ब्लड ज्यादा होगा यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा होगी तो उसी यहाँ पे मेथड पे काम करते हैं। तो सिंपली जो हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर है उसका एग्जांपल है डेक्सट्रान। डेक्सट्रान क्या है, वही फ्लूड होता है जिसको हम बोतल बोल सकते हैं, जो चढ़ाते हैं वो फ्लूड ही होता है हमारा डेक्सट्रान। तो दीज आर दे आर यूज्ड इन एमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। अभी हमने टाइप देखे थे तो उसमें एक टाइप था हमारा हाइपोवोलेमिक शॉक, यानी कि जिसमें लो ब्लड वॉल्यूम हो जाता था, ब्लड का वॉल्यूम ही कम हो जाता था। तो ब्लड जब कम होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, तो हमने यहाँ पे ब्लड का अमाउंट बढ़ाना है किससे, डेक्सट्रान से, बोले तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर से। सो दीज इंक्रीज दे इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा बाय इंक्रीजिंग ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर को बढ़ा करके ये प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ाते हैं जिससे कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा यानी कि ज्यादा ब्लड की सप्लाई होगी अब टिश्यूज को, जब ज्यादा ब्लड जाएगा यानी कि ऑक्सीजन भी ज्यादा जाएगी और प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। एग्जाम्पल जिसकी डेक्सट्रान 40 आता है जो कि एक बोतल है, या बोले तो IV फ्लूड है जिसको हम चढ़ाते हैं किसी भी पेशेंट को। यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आपका ये कवर हो चुका है पूरा कॉन्सेप्ट कि ड्रग यूज्ड इन द थेरेपी ऑफ शॉक। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, यही मैंने बताना था।
तो यूनिट सेकंड चल रही थी, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा थेरेपी ऑफ शॉक वाला था वो हमने कवर कर लिया था, सेकंड जो मतलब फिफ्थ क्वेश्चन है वो हम कवर करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि गिव द मोड ऑफ एक्शन यूजेस एंड साइड इफेक्ट ऑफ एंटीकोगुलेंट्स यानी कि वॉरफेरिन। तो चलिए करते हैं वहीं तो बात कि क्या है वॉरफेरिन एंड एंटीकोगुलेंट। सो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे आया था मतलब पेपर में। तो यहाँ पे आपके पास 2020-21 का ये क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पे देखोगे, इलस्ट्रेट द मोड ऑफ एक्शन यूजेस एडवर्स रिएक्शन ऑफ वारफेरिन सोडियम। तो 7 मार्क्स में क्वेश्चन है, तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे आने वाला है। तो सिंपली यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि क्या है एंटीकोगुलेंट या फिर वारफेरिन उनके मोड ऑफ एक्शन वगैरह। तो ये हमारे यूनिट सेकंड में है जो कि यहाँ पे आप देखोगे एंटीकोगुलेंट, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में, तो बात करते हैं सिंपली एंटीकोगुलेंट क्या है। देखिए नेम हमारा एंटी प्लस कोगुलेंट, एंटी का मतलब है अपोज एंड कोगुलेंट का मतलब है कोगुलेशन, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है उसकी एक ऐसी एबिलिटी होती है कि जब भी हमारी बॉडी में कहीं इंजरी होती है या बोले तो ब्लीडिंग होती है तो कुछ टाइम बाद ब्लीडिंग रुक जाती है और हमारे जो ब्लड है उसका थक्का बन जाता है, उसका क्लॉट बन जाता है। वही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, कोगुलेशन कहलाती है। तो अब यहाँ पे ऐसी ड्रग काम करेंगी जो कि कोगुलेशन नहीं होने देंगी। अब आप कहोगे कि कोगुलेशन तो हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारी ब्लीडिंग को रोकता है, हमारे जो इंजरी हो जाती है ब्लड को लॉस होने से बचाता है, लेकिन क्या हो कि कोगुलेशन ज़्यादा होने लग जाए। सपोज करिए जैसे कि ये जो मेडिसिन हम पढ़ रहे हैं ये कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे काम कर रही है, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। यानी कि ये भी हमारी एक हार्ट से रिलेटेड डिसीज होगी जहाँ पे मतलब ये जो मेडिसिन काम करेंगी। तो क्या हो कि जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे मैंने दिखा रखा है ये हमारी ब्लड वेसल है और यहाँ पे कुछ थोड़ी सी इंजरी हुई या फिर इंजरी भी नहीं हुई है, हमारी प्लेटलेट्स जो है वो एग्रीगेट हो गई हैं, वो इकट्ठी हो गई हैं, तो इस तरीके से वो प्लेक बना लेंगी, इस तरीके से क्लॉट बना लेंगी जिसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड के बहने में दिक्कत होगी, ब्लड इजिली फ्लो नहीं होगा, वही तो प्रॉब्लम होगी। यानी कि अगर ब्लड ही नहीं बहेगा ब्लड वेसल में तो हमारे टिश्यूज के पास वो नहीं जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, उससे हमारी कई सारे डिसीज होंगी, CHF, कार्डिक हार्ट फेलियर वगैरह ये भी हो सकता है अगर ये हार्ट में थ्रोम्बस बन जाता है। और इसके अलावा और भी हार्ट अटैक या फिर हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम कॉज हो सकती हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आया कि आखिर ये मेडिसिन काम कहाँ करने वाली है और क्यों हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये वही ड्रग है जो कि ब्लड के कोगुलेशन को नहीं होने देंगी, जब हमारा ब्लड ज़्यादा कोगुलेट होने लग जाता है तो तब ये यूज़ की जाती हैं। सो दीज आर दोज ड्रग विच प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस इन द ब्लड वेसल। तो ये थ्रोम्बस को बनने नहीं देती हैं। यहाँ पे देखिए आपने एक पॉइंट जरूर से ध्यान रखना है कि ये जो हमारी ड्रग है यानी कि जो हमारी एंटी कोगुलेंट है ये ऑलरेडी बने हुए क्लॉट को नहीं ब्रेक डाउन करती हैं, नहीं उसको ठीक करती हैं, बल्कि जो आगे बनने वाला है ये उसको रोक देती है। यानी कि वही लिख रखा है, दे डू नॉट डिजॉल्व द ऑलरेडी फॉर्म क्लॉट बट आर यूज इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लॉट। ये नए क्लॉट को नहीं बनने देती, ठीक है। जो ऑलरेडी क्लॉट बन गया है उसके लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है वो फिब्रिनोलाइटिक्स कहलाती हैं, जो कि नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे। तो एंटीकोगुलेंट वो है जो कोगुलेशन को नहीं होने देती हैं। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो वॉरफेरिन के ऊपर आता है कि उसका मोड ऑफ एक्शन यूज एंड साइड इफेक्ट बताइए। तो देखते हैं यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर जो हमारी एंटीकोगुलेंट है वो दो कैटेगरीज में क्लासीफाई की गई हैं। सबसे पहले है इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेंट्स, इंजेक्टेबल यानी कि जिसको हम इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं, जैसे कि हेपरिन है, लेपिरिडीन है, एनक्रोड है, ये हमारी इंजेक्टेबल होती हैं। दूसरा हमारा ओरल एंटीकोगुलेंट, ओरल यानी कि जिसको हम ओरली ले सकते हैं, ऐसे टैबलेट के रूप में वो हम ले सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर भी दो कैटेगरी हैं, एक है कोमेरिन डेरिवेटिव, कोमेरिन हमारा एक केमिकल है जिससे ये डेराइव होती हैं, जैसे कि एग्जांपल जैसे कि वॉरफेरिन जो कि हम देख नहीं वाले हैं, और वाइसाइड्रोक्सीकोमेरिन और एक्विनोकोमेरिन, ये इसकी कैटेगरी की ड्रग हैं। एक हमारे इंडेंडियोन डेरिवेटिव, ये भी हमारा केमिकल है, ये यहाँ से डेराइव होती हैं, इसका एग्जाम्पल है फेनिनडियोन। तो ये सिंपल सा इसका क्लासिफिकेशन है एंटीकोगुलेंट ड्रग का। बात करते हैं वारफेरिन पे फोकस हम करते हैं कि इसकी फार्माकोलॉजी क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है एंड यूज़ क्या है। तो वारफेरिन सबसे पहले वही लिखना है कि ये हमारा एक ओरल एंटीकोगुलेंट होता है और ये जो है एंटागोनिस्ट होता है वाइटामिन के का, या बोले तो ये वाइटामिन के को नहीं बनने देता है। कैसे नहीं बनने देगा और आखिर क्या रोल है वाइटामिन के का कोगुलेशन में, वो अभी हम इसके मोड ऑफ एक्शन में देखेंगे।
तो देखिए बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, कैसे हमारा वॉरफेरिन काम करता है। तो देखिए आपने ये तो समझ लिया कि क्या काम करेगा, यानी कि ये ब्लड के कोगुलेशन को नहीं होने देगा, और मैंने अभी ये भी आपको बताया था कि ये विटामिन के का एंटागोनिस्ट होता है, बोले तो विटामिन के को नहीं बनने देता है। तो आखिर मोड ऑफ एक्शन समझने से पहले आपने ये पता होना चाहिए कि आखिर कोगुलेशन होता कैसे है, या फिर विटामिन के का रोल क्या है कोगुलेशन में। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपने अगर कोगुलेशन का कैस्केड देखा हो या कोगुलेशन का पाथवे पढ़ा हो, तो वहाँ पे कुछ इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक दो पाथवे काम करते हैं, जिसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर 10 है, फैक्टर 11 है, फैक्टर 12 है, फैक्टर 2 है। तो ये कुछ हमारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कोगुलेशन के लिए। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स इनमें से ये जो है वाइटामिन के पे डिपेंड करते हैं, यानी कि ये वाइटामिन के की वजह से ही ये एक्टिवेट होते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे ये पाथवे थोड़ा आपको डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। जैसे कि हमारा विटामिन के है, ये हमारा हाइड्रोक्यूनोन है। विटामिन के जो हाइड्रोक्यूनोन होता है वो एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन के की। इस तरफ विटामिन के है जो कि एपोक्साइड है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म है विटामिन के की, है दोनों विटामिन के ही। तो इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम काम करता है, एपोक्साइड रिडक्टेज। ठीक है, जैसे कि हमारा रिडक्टेज, यानी कि ये जो है इस एपोक्साइड फॉर्म को रिड्यूस करके हाइड्रोक्यूनोन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब समझिए कि आखिर अब ये जो हमारा एक्टिव विटामिन के है, इसका रोल क्या है। जैसे ही ये हमारा विटामिन के जो है एक्टिव फॉर्म में अगर ये बनता है, तो यहाँ पे एक एंजाइम है विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम क्या करता है, कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जैसे कि डैस कार्बोक्सी प्रोथ्रोम्बिन, या बोले तो सेकेंड फैक्टर है, एक फैक्टर हमारा 7 है, फैक्टर 6 है, और फैक्टर हमारा 10 है। तो ये जो है इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं पहले, तो इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कौन सा एंजाइम, कार्बोक्सिलेज एंजाइम। और ये एंजाइम कब एक्टिवेट होता है, ये डिपेंड करता है विटामिन के पे। और जब विटामिन के मिलेगा, यानी कि ये एंजाइम एक्टिवेट हुआ, जैसे ही ये एंजाइम एक्टिवेट होगा, ये हमारे जो इनएक्टिव फैक्टर्स थे जो कि रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है, कोगुलेशन के लिए, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही ये सारे काम करने लग जाएंगे, हमारा कोगुलेशन यानी कि थ्रोम्बस या बोले तो क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या समझें, यहाँ पे पहले हमारा इनएक्टिव विटामिन के था, वो एक्टिव में कन्वर्ट हुआ, और जैसे ही एक्टिव विटामिन के मिला, यहाँ पे ये हमारा एक एंजाइम एक्टिवेट हुआ जो कि इन इनएक्टिव जो फैक्टर्स हैं उनको एक्टिव फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है, और हमारा क्लॉटिंग हो जाती है। तो अब यहाँ पे जो हमारा वॉरफेरिन है, आखिर ये करेगा क्या, जो कि हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सिंपली जो ये एक एंजाइम था इपोक्साइड रिडक्टेज, जो कि ये हमारा विटामिन के को जो हमारा इनएक्टिव था उसको एक्टिव में कन्वर्ट कर दे रहा था, तो ये सिंपली यहाँ पे काम करेगा। और जैसे ही ये एंजाइम हमारा इनहिबिट हुआ, यानी कि हमारा जो विटामिन के है वो एक्टिव ही नहीं होगा, जब विटामिन के एक्टिव नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे जो हमारी ये जो फैक्टर्स हैं वो भी इनएक्टिव ही रहेंगे, यानी कि कोगुलेशन की प्रोसेस रुक जाएगी। तो सिंपली यही दिखा रखा है कि वारफेरिन की ड्रग यहाँ पे एक्ट करेगी और इस इपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। तो यह है मोड ऑफ एक्शन। मैंने आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने समझाने की कोशिश करी है। बात करते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक, कि जो हमारा वारफेरिन जो होता है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, कैसे मेटाबोलाइज होता है, कितनी हाफ लाइफ होती है। तो बात करते हैं जो वारफेरिन जो होता है, ओरली हम इसको लेते हैं, ठीक है, और ये जो है GIT यानी कि इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब होता है, और हाफ लाइफ जो है इसकी 36 से 44 घंटे होती है, बोले तो इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 4 से 7 दिन तक रहता है। ये हो गया। इसके अलावा जो मेटाबोलाइज होता है ये लिवर के द्वारा होता है और एक्सक्रिएट किया जाता है किडनी के द्वारा। तो सिंपली ये आपने बात लिखनी है। बात करते हैं इसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले जो यूज़ है, जैसे कि पहले से हम पढ़ ही रहे हैं कि ये हमारा एंटी कोगुलेंट है, और जो थ्रोम्बोसिस हो जाती है यानी कि वेन के अंदर ब्लड कोगुलेट हो जाता है, तो उसको एक रोक देता है या फिर आगे नहीं होने देता है। दूसरा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, बोले तो हार्ट अटैक को भी ये ठीक करने का काम आता है। किस तरीके से, देखिए हार्ट अटैक होता कब है, कि जब जो है हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसमें क्या है, प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लेक यानी कि या तो वो लिपिड वाला प्लेक हो या फिर थ्रोम्बस वाला प्लेक हो, तो उस कंडीशन में भी हमारा इस मतलब हार्ट अटैक को भी ठीक करेगा। दूसरा अनस्टेबल एंजाइना और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तो ये इन कंडीशन को भी ठीक करने के काम आता है।
ठीक है, लास्ट में बात करते हैं, कुछ साइड इफेक्ट हैं, ज़्यादा साइड इफेक्ट है नहीं, लेकिन सबसे जो मेन है वो है हीमोरेज। देखिए क्या हो कि जैसे कि हम यहाँ पे वारफेरिन ले रहे हैं, वारफेरिन क्या करेगा, ये हमारे ब्लड को ना पतला करेगा, ये एज ए ब्लड थिनर काम करेगा, यानी कि कोगुलेशन को नहीं होने देगा, तो मतलब ब्लड को पतला कर रहा है। तो जब हमारा ब्लड बहुत ही ज़्यादा पतला होगा, सपोज करिए हमें कहीं गलती से इंजरी हो गई, तो वहाँ पे हमारा ब्लड आसानी से रुकेगा नहीं, यानी कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हमको हो सकती है, इसका साइड इफेक्ट है। दूसरा नोसे वोमिटिंग, ये तो नॉर्मली होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, डायरिया, फीवर, ये नॉर्मल है। इसके अलावा एक मेन और साइड इफेक्ट है, वो है हेयर लॉस, आपको हेयर लॉस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थी पूरी फार्माकोलॉजी, मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ वारफेरिन। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। और हमारी सेकंड यूनिट चल रही थी, और सेकंड यूनिट में भी जो सिक्सवा क्वेश्चन है, यानी कि डिफाइन हेमेटिनिक्स एंड गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस ऑफ आयरन, जो कि 7 मार्क्स में आ जाता है, इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे हेमेटिनिक्स की, और थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कैसे सिलेबस में है, मतलब कहाँ पर है फार्माकोलॉजी में। तो यहाँ पे यूनिट सेकंड आप देखोगे हेमेटिनिक्स, ये जो पोर्शन है, तो यहाँ पे कई बार 2 मार्क्स में और कई बार 7 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं सिलेबस मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में दिखा देता हूँ, यहाँ पे 2020-21 में ही आया था। देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन देखोगे, व्हाट आर हेमेटिनिक्स एंड डिस्कस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस ऑफ आयरन, तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए बात करते हैं हीमेटिनिक्स, जैसे कि दो वर्ड से मिलकर बना है, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, हीम प्लस टिनिक्स। हीम का मतलब यानी कि हीमोग्लोबिन, जो कि हमारा आरबीसी में होता है, ठीक है, और टिनिक्स का मतलब यानी कि इंक्रीज करना या बोले तो बढ़ाना, यानी कि ये जो है हमारी ऐसी ड्रग होती हैं या बोले तो ऐसे एजेंट होते हैं जो कि हीमोग्लोबिन के अमाउंट को बढ़ाते हैं, या फिर इनडायरेक्टली बोले तो आरबीसी जो होती है हमारी रेड ब्लड सेल, उनके प्रोडक्शन को ये जो है बढ़ा देती हैं, और जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा यानी कि ब्लड का अमाउंट बढ़ेगा। तो वो जो सारे एजेंट होते हैं, वो जो सारे सप्लीमेंट होते हैं जो कि ब्लड के फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं, या आरबीसी जो हमारी सेल्स होती हैं उनके फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, वो हमारे हीमेटिनिक्स कहलाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपने कभी ना कभी हीमेटिनिक्स लिए होंगे, या फिर आपके घर में किसी ना किसी ने जरूर लिए होंगे, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि ये ब्लड बढ़ाने वाली हमारी सीरप है। बेस्ट एग्जाम्पल मैं अभी आपको दूंगा, जो कि आपने यूज भी किया होगा, तो वही लिखा देखिए, हीमेटिनिक्स आर दोज एजेंट विच स्टिमुलेट ब्लड सेल फॉर्मेशन और इंक्रीज हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ठीक है, आसान है समझने के लिए। और ये कब लिया जाता है, ज़्यादातर देखिए या तो ब्लड लॉस हो जाए किसी इंजरी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, या फिर देखिए प्रेगनेंसी के दौरान ये लिए जाते हैं, या फिर आपको एनीमिया हो जाता है। एनीमिया बोले तो आपने पढ़ा ही होगा पैथोफिजियोलॉजी में, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जब जो है हमारी बॉडी में या बोले तो ब्लड में आरबीसी की संख्या जो है कम हो जाती है, ब्लड सेल कम हो जाती है, वो हमारी एनीमिया कहलाती है। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हीमेटिनिक्स दिए जाते हैं, क्योंकि मेनली 3 तरह के जो एजेंट है वो मतलब हीमेटिनिक्स कहलाते हैं कंबाइंड रूप में, जो कि आयरन, फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन V9 एंड विटामिन B12, तो ये जो है हमारे हीमेटिनिक्स कहलाते हैं। बेस्ट एग्जांपल है देखिए डेक्सोरेंस, आपने देखा होगा, मैं आपको स्क्रीन पे भी लगा दूंगा उस सिरप को। तो ये जो है देखिए इसमें तीनों होते हैं, आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। तो ये जो है हमारे ब्लड को बढ़ाने के लिए, बोले तो ब्लड में जो सेल्स होती हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये काम करती हैं, ये हीमेटिनिक्स है हमारा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है हीमेटिनिक्स। तो अभी जो हमने देखना है ना, वो है कि गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस ऑफ आयरन। तो आयरन के बारे में डिटेल में देखना है, तो आयरन की बात करें, देखिए काफ़ी इजेंशियल होता है हमारी बॉडी के लिए, और आयरन का रोल कहाँ पर है, देखिए अगर आपने डिटेल में ब्लड के बारे में पढ़ा हो, तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो उसका एक मॉलिक्यूल होता है ना, तो उसके अंदर 4 जो एटम होते हैं, 4 एटम हमारे किसके होते हैं, आयरन के होते हैं, और आयरन ही है जिससे जो हमारी ऑक्सीजन जो है वो बाइंड होती है, और वो हमारी कहाँ तक जाती है, जो भी हमारे टिश्यूज़ होते हैं वहाँ तक ऑक्सीजन जाती है। यानी कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, जो हमारे लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजन ली और हमारे टिश्यूज़ तक, सेल्स तक उसने पहुँचा दी, और वो कैसे जाती है, वो आयरन से बाइंड होकर के जाती है, यानी कि अगर आयरन ना हो तो यानी कि ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज़ तक या सेल तक नहीं पहुँचे, तो आयरन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा भी ये जो है एज ए मतलब एंजाइम भी ये काम करता है कई रिएक्शंस वगैरह में, अभी हम देखेंगे उसके बारे में। तो वही लिखा है, इट्स मेन फंक्शन इज ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, एंड डेप्लेशन ऑफ आयरन कैन कॉज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अगर आयरन की कमी हो गई है तो उससे हमें क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगा। और बात करें जो टोटल ह्यूमन बॉडी है ना, उसमें 3.5 ग्राम आयरन होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आयरन होता है वो ब्लड में होता है, वो भी हीमोग्लोबिन में। तो
तो ये आपने थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना है। और बात करें आपने देखिए आयरन पर डे कितना लेना होता है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो एक हेल्दी ह्यूमन के लिए जो अडल्ट जो रिक्वायरमेंट होती है अडल्ट के लिए, वो 10 से 15 mg आयरन पर डे लेना होता है डाइट में। तो यह है इसकी रिक्वायरमेंट। सोर्सेज की बात करें कि कहाँ से हमको मिलता है, कौन कौन से हमारे ऐसे फूड्स हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो सबसे ज़्यादा होता है मीट में, इसके अलावा चिकन, एग योल्क, लिवर, फिश, ओइस्टर जो हमारा मतलब कि समुद्र में होते हैं सीप वगैरह वो, एंड बनाना, एप्पल, यीस्ट, ड्राई फ्रूट्स एंड आल्सो मिल्क कंटेंस आयरन। तो ये जो है इसके सोर्सेज हैं कहाँ से हमको आयरन मिलेगा। बात करते हैं जब हम आयरन को लेते हैं तो वो हमारे कैसे एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में कैसे पहुंचता है, वो थोड़ा आपको मैकेनिज्म समझ आना चाहिए, जिससे कि मतलब आपको थोड़ा ये भी समझ आएगा कि आखिर हमारा जो आयरन है वो काम कैसे करता है। तो जो हमारे आयरन होते हैं ना, डाइटरी आयरन, वो दो टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, एक होता है हमारा हीम आयरन, एक होता है नॉन हीम आयरन। देखिए जो हीम आयरन होता है ना, यानी कि उसको हम बोल सकते हैं वो फेरस आयरन होता है, यानी कि उसके ऊपर 2+ ये चार्ज होता है, Fe2+, ये हमारा फेरस फॉर्म है। और जो नॉन हीम आयरन होता है वो फेरिक फॉर्म होता है, Fe3+ होता है। तो ये दो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो हीम आयरन जो होता है वो ज़्यादातर हमको चिकन से मिलता है एंड इसके अलावा मीट वगैरह से और एग वगैरह से, तो ये हमारा हीम वाला यहाँ से मिलता है। लेकिन जो हमारा नॉन हीम है, यानी कि ये हमारे प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे कि वही एप्पल वगैरह, बनाना, फ्रूट्स वगैरह, तो वहाँ से हमारा ये फेरिक फॉर्म वाला मिलता है। तो जब भी देखिए हम डाइट्री आयरन लेते हैं, हमारे वो स्टोमक से होता हुआ कहाँ पे जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन में जाके ही वो एब्जॉर्ब होता है। कैसे एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होता है। तो देखिए यहाँ से मैंने समझा रखा है कि डाइट्री आयरन है जो कि दो टाइप्स का है, नॉन हीम एंड हीम, यानी कि फेरस फॉर्म एंड फेरिक फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए जो फेरस फॉर्म वाला है, यानी कि Fe2+ जो है वो डायरेक्टली जो हमारी इंटेस्टाइन की सेल होती है, जो है इंटेस्टाइन की सेल है, इसको हम म्यूकोसल सेल बोल रहे हैं, तो वो जो है डायरेक्टली इसमें जो है एंटर कर जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, फेरस फॉर्म वाला। लेकिन जो हमारा फेरिक फॉर्म वाला यानी कि Fe3+ है, तो उसको ना पहले रिड्यूस किया जाता है Fe2+ में, यानी कि फेरस फॉर्म में। यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, फेरो रिडक्टेज एंजाइम, जो कि Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में ये जो फेरस फॉर्म है ये एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो है एंटर करती है सेल में, इंटेस्टाइन की जो सेल है, म्यूकोसल सेल, उसमें ये एंटर करती है कैसे, डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, जिसको हम DMT1 से नाम से जानते हैं, तो उसके थ्रू ये एंटर करती है। तो इस तरीके से Fe2+ के रूप में हमारा आयरन अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में यही Fe2+ जो है म्यूकोसल जो सेल होती है उसके Fp1 यानी कि फेरोपोर्टिन, ये ट्रांसपोर्टर होता है जिसके थ्रू जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी एक ब्लड ब्लड में जाने के लिए जो ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है वो दिखाई गई है, ठीक है। यहाँ से जो है वो क्रॉस करता है और हमारा ब्लड स्ट्रीम में पहुँचता है। कौन सी फॉर्म गई है, फेरस फॉर्म गई है, Fe2+ यहाँ पे गई है। और ये जो हमारा आयरन है जो कि फेरस फॉर्म में है Fe2+ फॉर्म में, तो ये जो है एक एंजाइम से Fe3+ में यानी कि फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर ये जो है ट्रांसफेरिन एक हमारी प्रोटीन है उसके साथ बाइंड होता है, और उसके द्वारा ये जो है ट्रांसफर किया जाता है, जहाँ भी इसका काम होता है ये वहाँ पर जाता है, लिवर वगैरह में भी एक्यूमुलेट होता है यानी कि स्टोर किया जाता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर देखिए अभी आपने देखा है कि जो हमारा डाइट्री आयरन है यानी कि फेरिक फॉर्म और फेरस फॉर्म वाला, वो कैसे म्यूकोसल सेल में एंटर करता है और वहाँ से कन्वर्ट होने के बाद कैसे वो ब्लड स्ट्रीम में पहुँचता है और वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने थोड़ा समझ लेना है कि आखिर वो स्टोर कैसे होता है। तो जो फेरस फॉर्म होते हैं यानी कि Fe2+ और Fe2+, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है फेरिक फॉर्म में, और वो जो है एपोफेरिटिन एक प्रोटीन है उसके साथ बाइंड होता है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, कौन सा, फेरिक फॉर्म, और ये जो है फेरिटिन में बदल जाता है। एक फेरिटिन जो है स्टोर्ड फॉर्म होती है किसकी, हमारे आयरन की। तो ये जो है फेरिटिन के रूप में स्टोर होता है, और फर्दर जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो ये जो है फेरिटिन से इसमें कन्वर्ट होता है। तो ये जो है स्टोर कहाँ कहाँ होता है वो हम देख लेते हैं। तो आई होप ये आपको एब्जॉर्प्शन समझ आ गया होगा। तो ये जो स्टोर होता है वो लिवर, बोन मैरो, मसल एंड स्प्लीन, इनके अंदर होता है। इनके अंदर रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, तो उनके अंदर जो है ये स्टोर होता है किसके फॉर्म में, वही फेरिटिन के फॉर्म में। तो आयरन की स्टोर्ड फॉर्म होती है फेरिटिन। तो ये आपको एब्जॉर्प्शन समझ आ गया होगा। अब देखिए हमने देख लेना थोड़ा इसका मोड ऑफ एक्शन,
मोड ऑफ एक्शन क्या किया आपने, बस यही बताना है कि आखिर वो काम कैसे करेगा, मतलब कि क्या काम है एक्चुअली में आयरन का। तो आयरन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, जैसे कि आपने पढ़ ही रखा है ब्लड के कंपोजिशन वगैरह में देखा होगा कि एक मोलिक्यूल में चार एटम होते हैं आयरन के, और उससे से चार ऑक्सीजन के जो मोलिक्यूल हैं वो बाइंड होकर के जाते हैं और अपने टिश्यू तक वो ऑक्सीजन इस तरीके से हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। तो यहाँ पे वही है कि आयरन इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन डेट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट। इसके अलावा इट ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शन डेट इज एसेंशियल फॉर द सेल ग्रोथ। तो ये इसका इस तरीके से मोड ऑफ एक्शन आपने लिख देना है। अब देखिए बात करते हैं, जब हमें एनीमिया हो जाता है या बोले तो आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो हमें कुछ मेडिसन्स लेनी होती हैं, आयरन के सप्लीमेंट लेने होते हैं, सीरप वगैरह लेनी होती हैं, बोटल्स वगैरह चढ़वानी होती हैं, तो वही हमारे आयरन प्रिपरेशन कहलाते हैं। तो देखिए अगर हमको किसी केस में एनीमिया हो गया है, आयरन की कमी हो गई है, तो हमको 25 mg आयरन पर डे नीडेड होता है, यानी कि 25 mg हमें कम से कम पर डे लेना होगा तभी हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। तो ये जो है देखिए दो तरीके से अवेलेबल होते हैं ये सप्लीमेंट, ओरल आयरन प्रिपरेशन जिनको हम ओरली ले सकते हैं, जैसे कि सीरप हुई, हमारी कैप्सूल्स हुई, और इसके अलावा हमारे पेरेंट्रल जिनको हम आईवी फ्लूड या सॉरी आईवी या आईएम दोनों रूट से दे सकते हैं, इंजेक्शन वगैरह भी। तो ये दोनों तरह के प्रिपरेशन हैं, समझना ज़्यादा टफ है नहीं। देखिए ओरल आयरन प्रिपरेशन जिनके केमिकल हैं या बोले तो जिनमें जो सॉल्ट होता है, जो मेन केमिकल होता है, वो कौन कौन है, देखिए फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड, यानी कि वही चीज़ होगी जिसमें फेरस कहीं ना कहीं होगा, आयरन कहीं ना कहीं होगा, यहाँ पे देखिए सब में फेरस लगा हुआ है, तो फेरस सल्फेटेड हाइड्रेटेड। तो ये जो है 300 mg पर डे, यानी कि 3 times a day लिया जाता है, 3 times a day TID, यानी कि एक हमारे लैटिन टर्म यूज़ की जाती है प्रिस्क्रिप्शन में, टर इन डाई, यानी कि 3 times a day। तो ये जो है 3 times लिया जाता है 300 mg 300 mg, तो उससे क्या होगा हमारा वही हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, यानी कि ब्लड सेल फॉर्मेशन बढ़ेगा। इसके अलावा फेरस ग्लूकोनेट जो कि 600 mg TID लिया जाता है, एंड फेरस फ्यूमरेट 200 mg 3 times a day लिया जाता है, एंड फेरिक अमोनियम सिट्रेट जो कि 1 gram पूरा 1 gram 3 times a day लिया जाता है। तो ये है ओरल प्रिपरेशन। बात करते हैं जो कि हमारे पेरेंट्रल हैं जिनको हम IV या फिर IM फ्लूड से लेते हैं, जो कि क्रिटिकल कंडीशंस में दिए जाते हैं, लाइक एक्सीडेंट वगैरह हुआ, बहुत कम हमारा ब्लड लॉस हो गया है, तो उस केस में ये जो है पेरेंट्रल प्रिपरेशन दिए जाते हैं। अगर आपको नॉर्मली कोई प्रेगनेंसी वगैरह के दौरान या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है, अदर एनीमिया है, मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं है क्रिटिकल, तो हम यही ओरल प्रिपरेशन ही लेते हैं। तो पेरेंट्रल में जो काफ़ी फेमस है देखिए वो है आयरन डेक्स्ट्रॉन, जो कि एमफेरॉन इस ब्रांड नेम से मार्केट में आपको मिल जाएगा, जो कि डेली 1 से 4 ml का ये इंजेक्शन आपको IV या फिर IM रूट से दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आयरन सोर्बिटोल जो कि डेली 1.5 से 2 ml पर डे ये दिया जाता है, जो कि केवल IM रूट से दिया जाता है। तो ये जो है दोनों प्रिपरेशन है हमारे पेरेंट्रल। अब देखिए बात करते हैं आयरन सप्लीमेंट की, कहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, तो जो डिफिशियंसी हो जाती है आयरन की वजह से, एनीमिया जो कॉज होता है, तो उस कंडीशन में ये लिया जाता है। तो गाइज अभी क्या है ना, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे खांसी वगैरह हो रही है और उसकी वजह से वीडियोज़ भी लेट आ रही हैं, तो बीच में कई बार कट लग जाते हैं इसी वजह से, वरना एक बार में ही वीडियो बन जाती है, मुझे बार बार कट लगाने हो जाते हैं क्योंकि मेरे को खांसी आ जाती है। तो बात करते हैं सेकंड की, ये प्रेगनेंसी में आपको पता होगा जब प्रेगनेंट लेडीज़ होती है तो उनको ब्लड की अक्सर कमी हो जाती है, तो तब ये दिए जाते हैं। इसके अलावा ब्लड लॉस हो जाता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ, इंजरी हुई तब। इसके अलावा GI ब्लीडिंग, आपके गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, तो उस केस में भी ये दी जाती हैं। बात करते हैं इनके कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन या तो इनके साइड इफेक्ट क्या हैं आयरन सप्लीमेंट के। तो आपको नोजे वॉमिटिंग जो कि बहुत ही कम होते हैं, ये अक्सर ज़्यादा खास नहीं है, तो नोजे वॉमिटिंग आपको देखी जा सकती है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया वगैरह हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, मसल पेन या बैक पेन हो सकता है, इसके अलावा आपको थोड़ा फीवर हो सकता है स्वेटिंग के साथ, पसीनों के साथ। तो ये जो है इसके कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था पूरा कि डिफाइन हिमेटिनिक्स एंड गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस ऑफ आयरन, ये हमने कवर कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हम नेक्स्ट चैप्टर इसी में, यानी कि यूनिट सेकंड में है, वो है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें ना हम पूरी जो ये टॉपिक है ना आपका पहला वाला डायूरेटिक, ये थोड़ा ना आपको छोटा सा ही दिख रहा होगा डायूरेटिक नेम, लेकिन अगर हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे ना कि क्या है डायूरेटिक और ये कैसे काम करती है पूरी फार्माकोलॉजी एंड सभी का मोड ऑफ एक्शन, उनको सारा क्लासिफिकेशन 4-5 classes में डिवाइड की गई है मेडिसिन, तो थोड़ी लेंदी वीडियो यहाँ पे हो जाएगी। बाकी एक और यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि यही वीडियो ना आपके लिए ना सेम मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी मतलब कि काम आएगी,
कि यहाँ पे देखिए आप देखोगे कि मेडिकैप में ना यूनिट सेकंड में आप देखोगे डायुरेटिक वाला पोर्शन है पूरा, इतना पोर्शन देखोगे तो यहाँ पे डायुरेटिक के बारे में आपने पहले समझना है, फिर उनका क्लासिफिकेशन देखना है। तो क्लासिफिकेशन ये दे रखा है जैसे कि कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ये एक टाइप हो गया, थायाजाइड एक टाइप हो गया, लूप डायुरेटिक, पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक्स। तो यहाँ पे ना सभी को जो है ना हम यहाँ पे देखने वाले हैं, मतलब पूरा क्लासिफिकेशन एंड उनकी पूरी फार्माकोलॉजी। तो यहाँ पे ना बस आपने ना स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करनी होगी, बाकी सारा कुछ आपको यहीं क्लियर हो जाएगा फोलॉजी में। बाकी मेडिसिन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है, आप उसकी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। बाकी मैं आपको देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन ये आया है। पहले हम मेडिकैम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, राइट सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड हमारी डायूरेटिक्स है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं एसिटाजोलामाइड जो कि हमारा कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, ठीक है। इसके अलावा देखिए 2 मार्क्स में भी है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ लूप डायूरेटिक्स। तो लूप डायूरेटिक्स भी हमारी क्या है, वो डायूरेटिक्स ही होती है, उसका टाइप है। अभी हम सारे टाइप वगैरह देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है लूप डायूरेटिक्स। इसके अलावा देखिए बात करें और भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आपको दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पे 7 मार्क्स में एक बार ये आया था कि एक्सप्लेन द सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ एसिटाजोलामाइड, क्लोरथायाजाइड एंड नाइट्रोग्लिसरीन। तो एसिटाजोलामाइड वही है, सेम डायूरेटिक्स। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे पूरा एक बार 10 मार्क्स में आया था, क्लासिफाइड डायूरेटिक्स एक्सप्लेन आर ऑफ थायाजाइड एंड थायाजाइड डायूरेटिक्स अलोंग विद सिंथेसिस ऑफ क्लोरथायाजाइड। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है काफी क्वेश्चन। इसके अलावा देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, एक बार ये जो है फार्माकोलॉजी में भी आया था, कैसे क्लासिफाइड डायूरेटिक्स गिव मैकेनिज्म फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड साइड इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ एंड लिमिटेशन ऑफ फ्यूरोसेमाइड। तो यानी कि दोनों में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा डायूरेटिक्स। देखिए सिंपली हम बात करते हैं डायूरेटिक्स के बारे में। देखिए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपने कभी ना कभी डायूरेटिक्स के बारे में जरूर सुना होगा। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपको बेटर समझ आ जाएगा। बाकी जो नोट्स हैं आपको फार्मेसी वाला ऐप पे मिल जाएंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डायूरेटिक्स जो वर्ड है ना वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, उसका मतलब भी आपको फिर सारा कुछ समझा देगा। जो है डायूरेटिकोज, जिसका मीनिंग होता है प्रमोटिंग यूरिन, यानी कि डायूरेटिक्स ऐसी मेडिसिन है जो कि यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी। हम जब टॉयलेट जाते हैं तो एक नॉर्मल 1 से 1.5 लीटर पर डे होता है, लेकिन ये ऐसी मेडिसिन है जो कि इसको दुगुना तिगुना और ज्यादा उसको बढ़ा सकते हैं, पर डे आपको बहुत ज्यादा यूरिन आएगा। अब आप कहोगे कि आखिर क्यों जरूरत पड़ जाए, आखिर खामे खामे हम मतलब फालतू में अपना यूरिन प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो उसका भी मैं अभी आपको रीजन बताऊंगा कि कहाँ पे ये यूज की जाती है। बाकी इनको ना हम वाटर पिल्स के नेम से भी जानते हैं, वाटर पिल्स यानी कि वही जो वाटर को बढ़ाएंगे या बोले तो यूरिन को बढ़ाएंगे, उसके नेम से भी जाने जाते हैं। तो सिंपली वही लिखा है कि डायूरेटिक्स आर दोज ड्रग व्हिच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन एंड दे डायरेक्टली एक्ट ऑन किडनी, किडनी पे ही वो डायरेक्टली अपना काम करेंगे, बिकॉज किडनी ही फिल्ट्रेशन का काम करती है, या बोले तो लास्ट में जो यूरिनेशन जो होता है सारा कुछ फिल्टर वगैरह होने के बाद, तो वो किडनी से ही होता है, तो वहीं पे ही जो है अपना काम करेंगे। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर हमें यूरिन प्रोडक्शन की या बोले तो उसको इंक्रीज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए सबसे पहला है टू ट्रीट कार्डियक एडेमा। कार्डियक एडेमा यानी कि जो हार्ट है, कार्डियक मीन्स हार्ट, एडेमा मीन्स आपने देखिए स्वेलिंग सुनी होगी, स्वेलिंग, या फिर आपने आपके जो बड़े बूढ़े लोग हैं जैसे कि दादा वगैरह, तो उनके ना देखिए ज्यादातर ना पैरों में आपने देखा होगा वो सूजे से रहते हैं, लाइक जैसे आप उसको ऐसे दबाओगे ना वो दब जाते हैं, लाइक उसमें पानी भरा हुआ हो, तो उस केस में उसको हम एडेमा बोलते हैं। तो इसी तरीके से ना यही एडेमा इसी टाइप की कार्डियक एडेमा भी होती है, यानी कि वो हार्ट में भी होती है, जहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूड का। तो जब ज्यादा फ्लूड वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है तो उसको हमने बाहर निकालना होता है, वो किसके थ्रू निकलेगा, हमारा वही टॉयलेट यानी कि यूरिन के थ्रू, यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, तो वहाँ पे इनका यूज होता है। इसके अलावा देखिए टू ट्रीट हाइपरटेंशन। देखिए हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, आपने सुना होगा कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप नमक कम लीजिए, यानी कि Na+Cl-, ये जो आयंस होते हैं वो जो है हमारे ब्लड में होते हैं, और ब्लड फिल्टर होने के बाद में किस में मतलब कि ये कहाँ पे जाते हैं, यूरिन में, यानी कि अगर हम इनको ज़्यादा निकाल देंगे, यूरिन जब ज़्यादा निकलेगा तो ये आयंस भी ज़्यादा निकलेंगे, और जब ये आयंस ज़्यादा निकलेंगे तो हमारा क्या होगा, हाइपरटेंशन जो था वो ट्रीट हो जाएगा, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए ट्रीट एडेमा, वही जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पैरों में सूजन आ जाती है, पैरों में पानी वगैरह भर जाता है, या हाथों में कहीं पर भी आपको जब स्वेलिंग आ जाती है ना, डॉक्टर यही मेडिसिन देता है, जो मोस्ट फेमस है ना वो है फ्यूरोसेमाइड,
जो कि काफी इफेक्टिव हमारी डायुरेटिक्स होती है। आपको यहाँ पे इनका यूज समझ आ रहा होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और इसका यूज है, वो है नेफ्रेटिक सिंड्रोम में, वही नेफ्रोन यानी कि किडनी वगैरह में जो प्रॉब्लम हो जाती है वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड लिवर वगैरह की जब प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें भी जब एक्यूमुलेशन हो जाता है तो फ्लूड वगैरह को, तो उसको वहां से निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो डायुरेटिक्स का आपको मतलब समझ आ गया कि डायुरेटिक्स ऐसी मेडिसिन है जो कि यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी, और यूरिन का प्रोडक्शन हमने क्यों बढ़ाना है मैंने वो भी आपको रीजन यहाँ पे बता दिए हैं। तो बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की कि कितनी टाइप्स की होती है हमारी डायुरेटिक्स। तो सिंपली क्लासिफिकेशन वही है जो कि हमारा सिलेबस में है। देखिए आप यहाँ पे मेडिकेम देखोगे, सबसे पहले देखिए कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ये इसका एक टाइप हो गया। इसके अलावा थायाजाइड, ये इसका टाइप है। इसके अलावा लूप डायुरेटिक्स, इसका एक टाइप है। इसके अलावा पोटेशियम स्पेयरिंग डायोरेटिक्स, ये इसका टाइप है। और लास्ट में ऑस्मेटिक डायोरेटिक्स। तो ये जो है इसके टाइप्स हैं। तो टोटल कितने टाइप्स हुए? पांच टाइप्स हैं। पांचों टाइप्स जो कि नेम जैसे कि मैंने बोले हैं वही ये नेम है, उनकी सारी मेडिसिन यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे कि कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में एसिटाजोलामाइड, मिथाजोलामाइड एंड डाइक्लोरफेनामाइड, तो ये है इसकी ड्रग। बाकी जो एसिटाजोलामाइड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, उसको हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग सिंथेसिस वगैरह सारा कुछ देखना होगा। यहाँ पर भी सिलेबस में देखोगे मैंने हाईलाइट इस पर मार रखा है, जो कि इंपॉर्टेंट थी, क्वेश्चन पेपर में भी 10 मार्क्स में आई थी। थायराइड में जो है क्लोरथायराइड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी मेडिकेम के अकॉर्डिंग, उसका भी हम सारा कुछ देखेंगे। इसके अलावा लूप डायोरेटिक्स जो कि हाई सीलिंग डायोरेटिक्स भी बोलते हैं, यानी कि काफ़ी इफेक्टिव होती हैं, जिसके मैंने आपको एग्जाम्पल बोला था कि फ्यूरोसेमाइड जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो उसके सिंथेसिस वगैरह भी सारा कुछ देखेंगे। इसके अलावा पोटेशियम स्पेयरिंग डायोरेटिक्स हैं, उसकी इसमें ड्रग है स्पायरोलोन इलेक्ट्रॉन, काफ़ी फेमस है। इसके अलावा ऑस्मेटिक डायोरेटिक्स में मैनिटोल है। तो ये जो है इसका सिंपली क्लासिफिकेशन है, आपको समझ आ गया होगा वही है जो कि आपके सिलेबस में है। अब देखिए बात करते हैं हमने क्या करना है, या बोले तो इन ड्रग्स को क्या करना है, इनको ना यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो आपको मोड ऑफ एक्शन समझने से पहले ना आपको ये समझ आना चाहिए कि आखिर यूरिन बनता कैसे है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, और वहां पे कौन से स्टेप पे जाके मेडिसिन काम करेंगी जिससे कि यूरिन का जो है वॉल्यूम बढ़ जाए, यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो समझते हैं थोड़ी हमने उसकी फिजियोलॉजी समझनी होगी कि यूरिन कैसे हमारा बनता है, या बोले तो हमारी किडनी कैसे काम करती है। तो यहाँ पे देखिए यूरिन बनने की ना तीन स्टेप होती हैं, तीन स्टेप यानी कि तीन स्टेप के बाद जो है हमारा यूरिन यहाँ पे बनता है। तो देखिए सबसे पहले देखिए आपने ये पता होना चाहिए कि आखिर जो है हमारा यूरिन बनता कहाँ से है, बोले तो उसको कहाँ से फिल्टर करके बनाया जाता है। तो जो हमारा ब्लड जो होता है ना, देखिए ब्लड में हमारा देखिए वाटर होगा, प्लाज्मा होगा, इसके अलावा उसमें देखिए हमारे ब्लड सेल्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, हमारे आयंस वगैरह होंगे। तो ये जो है ब्लड में सारा कुछ होता है। तो ब्लड जो है प्यूरीफाई होता है, फिल्टर किया जाता है, किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। तो वहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन होता है। तो फिल्ट्रेशन होने के बाद में जो भी टॉक्सिक या वेस्ट मटेरियल होता है वही हमारे यूरिन कहलाता है, और उसी को बाहर निकाला जाता है। यानी कि यूरिन जो है कहाँ से बनता है? ब्लड से बनता है। तो उसमें देखिए तीन स्टेप होती हैं। सबसे पहले है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जैसे कि नेम आ रहा है, यानी कि कुछ नहीं है, ब्लड को हमारी किडनी फिल्टर करेगी, और जो उसके बाद फिल्टर होने के बाद जो भी चीज़ उसमें निकलेगी उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। फिल्ट्रेट आप सपोज करिए, ऐसे में आपको समझो जैसे कि ये हमारा ब्लड है, ठीक है। ब्लड जो है हमने किडनी के थ्रू पास की, किडनी को मैं इस तरीके से छलनी टाइप बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारी किडनी है, तो इसके थ्रू हमारा ब्लड यहाँ से निकल रहा है, और जब ब्लड जब पास हो जाता है इससे, तो जो यहाँ पे मटेरियल बचता है, जो फालतू की चीज़ें बचती हैं उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, और जो जो हमारा सही ब्लड था वो कहीं दूसरे रास्ते से वो जो है हमारा वही सर्कुलेशन में चला जाता है। तो इतनी स्टेप है हमारी फिल्ट्रेशन की। दूसरा है रीअब्सॉर्प्शन। री यानी कि दोबारा से, एब्जॉर्प्शन मीन्स एब्जॉर्ब होना, यानी कि जो हमारे यहाँ पे फिल्ट्रेट बचा है ना, मतलब जो बना है फिल्टर होने के बाद में, तो हमारी बॉडी ये देखती है क्या इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है। जैसे कि सपोज हम कोई भी सफाई वगैरह करते हैं, या बोले तो आपको मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, जैसे कि मैं खेत का एग्जांपल दे रहा हूँ आप समझना, जैसे कि हम आलू बोते हैं, ठीक है, आलू को बोया जाता है, तो वहाँ पे जब आलू मतलब कटाई करने या उनको निकालने का टाइम आता है, तो एक बार हम उसको अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं, उसके बाद निकालने के बाद भी मतलब हमको ये हो गया कि हाँ हमने अच्छी तरीके से उसको निकाल लिया, लेकिन हम दोबारा से भी उसको चेक करते हैं, मतलब दोबारा से हम उसको निकालते हैं, कोई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बोले तो और भी आलू वहाँ पे नहीं रह गए हों। ठीक इसी तरीके से जब फिल्टर हो जाता है ना, यानी कि जो फिल्ट्रेट जो होता है, जो कचरा टाइप ही होता है, फिर भी हम देखते हैं कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो वहाँ पे जो है रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है, यानी कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट भी चली जाती हैं उनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी में, वापस से ब्लड में लाया जाता है। तीसरा है सीक्रेशन। जब रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, फालतू की चीज़
केबल बचती है वहाँ पे, इम्पोर्टेंट चीज़ दोबारा से देख झांक करके हम वापस निकाल लेते हैं, तो फालतू की जो भी वेस्ट मटेरियल उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, उसको हम सीक्रेशन बोलते हैं। तो ये तीन स्टेप हैं। अब ये स्टेप होती कैसे है वही समझना है, मतलब कहाँ पे होती हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आपको समझ आ रहा है ना, थोड़ा टफ सा लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन मैं अभी आपको क्लैरिफाई करूंगा। ये तो ना देखिए क्या है, नेफ्रॉन है। ये नेफ्रॉन क्या है, देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से आप किडनी के बारे में थोड़ा बताऊँ। हमारे यहाँ पे सपोज ये दो किडनी होती हैं, दो किडनी के बाद में यहाँ पे जो है यूरिन इस तरीके से हमारा ये बाहर निकलता है, ठीक है। तो किडनी को थोड़ा मैं एक किडनी को जूम आउट करता हूँ। आपने किडनी के बारे में पढ़ा होगा कुछ इस तरीके से किडनी होती है, कुछ स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। आप बस समझ लेने किडनी हमारी, किडनी की जो सेल होती है ना उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि किडनी जो है नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, या बोले तो किडनी की जो सेल है उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। एक किडनी में 1 मिलियन और दोनों किडनीज में मिलाकर 2 मिलियन शायद बिलियन इसमें जो है नेफ्रॉन होते हैं। तो नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन इस तरीके से यहाँ पे दिखता है। यानी कि आप ऐसे समझिए जैसे कि हमारा किडनी है, तो इसका इतना पार्ट हमने लिया है और इसको ना हमने यहाँ पे जूम किया है। जूम करने के बाद में कुछ वो इस तरीके से नजर आता है। अब इनके पार्ट समझ लीजिए किस में क्या काम होता है, जब वो समझ आपको आ जाएगा ना तो मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग में ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये हुक टाइप का, इसको हम वोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड लेके आ रही है, यानी कि फिल्ट्रेशन एक्चुअली में यहाँ पे हो रहा है वोमेंस कैप्सूल में। और ये जो हमारी ब्लड वेसल्स यहाँ पे इकट्ठी हुई पड़ी है उसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप यहाँ पे होती है। देखो मैंने हर एक को अलग कलर में इस वजह से ही दिखाया है कि ये जो है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होती है यानी कि फिल्ट्रेशन। उसके बाद मैंने यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेट यानी कि साफ होने के बाद में जो फालतू की चीज अकॉर्डिंग टू वोमेंस कैप्सूल जो बची थी वो यहाँ पे आ जाती हैं। तो इसको जो ये मैंने ब्लू कलर में दिखाया उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, इसको हम PCT बोलते हैं, ठीक है। उसमें आने के बाद में नीचे जो आपको ये दो लूप नजर आ रहे हैं, एक ये और एक ये, तो इसको हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। जैसे कि लूप किसको बोलते हैं, जोड़ा होता है, तो उसी को ये बोलते हैं हम लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और लूप ऑफ हेनले के बाद ऊपर एक और है यहाँ पे पाइप, वही लाइनिंग जो कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये हमारे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, ये हमारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है। इसके अलावा लास्ट में ये कलेक्टिंग डक्ट होती है जो कि सारा जब फालतू की चीज निकल जाती है, ये बोले तो यूरिन जो होता है वो इसमें कलेक्ट होता है, यहीं से कलेक्ट होकर हमारा वो टॉयलेट हमारा निकलता है। तो एक्चुअली में देखिए यहाँ पे आपने समझना क्या है कि ये जो हमारी तीनों स्टेप थी यानी कि फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, ये कहाँ पे हो रही है और वहीं पे जाके हमारी मेडिसिन काम करने वाली है। तो जो डायुरेटिक्स जो होती है ना वो रीअब्जॉर्प्शन वाली जो स्टेप है यानी कि सेकंड जो स्टेप है वहाँ पे काम करती है। और वो कैसे काम करती है थोड़ा समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेप है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे ये सपोज किसी ब्लड वेसल से ब्लड आ रहा है, यहाँ पे वोमेंस के कैप्सूल में यहाँ पे गया और यहाँ पे जो है ब्लड हमारा फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर किस तरीके से, लाइक जिस तरीके से ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ये हमारा वोमेंस का कैप्सूल है, तो यहाँ पे इस तरीके से वो छनने के बाद में बाहर कुछ इस तरीके से पाइप में निकल जाएगा। यानी कि ये हमारी फर्स्ट स्टेप होगी फिल्ट्रेशन, ठीक है। दूसरी जो स्टेप है, देखिए यहाँ पे फिल्ट्रेशन के बाद में ये ना ब्लड वेसल्स कुछ इस तरीके से लिपटी रहती हैं, पूरी जो नेफ्रॉन की सारी हमारी ट्यूब्स हैं उनसे इस तरीके से ब्लड वेसल्स लिपटी रहती हैं। उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। रीअब्जॉर्प्शन में क्या था, जैसे कि जो भी हमारा फिल्ट्रेट था, फिल्ट्रेट में देखिए क्या होता है, उसमें ग्लूकोज रहता है, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट एंड आयंस वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जो और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी लाइक हमारे ब्लड सेल हुई, RBC, WBC और प्लाज्मा वगैरह हुआ, या फिर और भी अदर इंपॉर्टेंट प्रोटीन वगैरह, विटामिंस वगैरह, जो सारी चीज़ थी वो फिल्टर होने के बाद में वो दोबारा से हमारी ब्लड सर्कुलेशन में चली गई हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू वोमेंस कैप्सूल कुछ चीज़ें यहाँ पे ये फालतू की उसको नजर आई, कौन कौन सी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट या आयंस वगैरह, इसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं पूरे को। उसके बाद भी हम दोबारा से चेक करते हैं, दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होगा, तो हमारे सेकंड स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन जैसे कि यहाँ पे होता है, देखिए पर डे जो फिल्ट्रेशन होता है ना, पर डे 180 लीटर जो हमारा ब्लड है वो फिल्टर होता है, या बोले तो 180 लीटर यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेट बनता है। यानी कि अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो तो हमारा इतने लीटर हमारा क्या होगा, यूरिन निकलेगा। अब आप कहोगे कि हमारे हमारे ब्लड में तो मतलब हमारे बॉडी में तो केवल 6-7 लीटर ही ब्लड होता है, नहीं वो मतलब पूरे दिन की वहाँ पे बात कर रहे हैं, बार 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 सर्कुलेट होने के बाद में
तो इतना लीटर हमारे जो है ब्लड वहां पे फिल्टर होता है। तो एक्चुअली में रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो हमारा पूरा जो फिल्टर हुआ है ना, फिल्ट्रेट जो है, उसमें से 99% चीजें ना दोबारा से वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। यानी कि 99 चीजें ऐसी होती हैं जो हमें वापस दोबारा बॉडी में चली जाती हैं, या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। केवल 1% ही ऐसे हैं जिसको बाहर निकाला जाता है, और उसी को हम यूरिन बोलते हैं। तो रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद में ये हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल में आया, ठीक है। इसके बाद में ये जो है ऐसे ही, इससे यहाँ पे ब्लड वेसल चिपटी रहती हैं और वो रीअब्जॉर्ब होता रहता है जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल में होगा, दूसरा हमारा लोपोफेनले में भी होगा, इसके अलावा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल में भी रीअब्जॉर्प्शन होगा, चौथा कलेक्टिंग डक्ट में भी रीअब्जॉर्प्शन होगा। रीअब्जॉर्प्शन इन चारों चीजों में होने के बाद में तब जो है सिक्रेशन, यानी कि ये हमारी थर्ड स्टेप आती है। आपको समझ आ गया, तो हमारे जो डायुरेटिक्स है ना वो रीअब्जॉर्प्शन पे काम करेंगे। तो वीडियो थोड़ी ना लेंथी हो सकती है, लेकिन आपको समझ आ जाए कि आखिर क्या है उसका सारा फार्माकोलॉजी। तो इसको हम रीअब्जॉर्प्शन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि यहीं पे हमारे मेडिसिन काम करेंगी। तो ये जो चारों चीजें हैं, यानी कि पीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, तो ये क्या क्या चीजों को रीअब्जॉर्ब करती हैं वो हम समझते हैं। तो सबसे पहला है देखिए प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जो कि यही स्टार्टिंग में जो ब्लू कलर में दिखाई है। तो ये जो ट्यूबुल होती है इसमें क्या क्या चीजें रीअब्जॉर्ब होती हैं, तो उसमें देखिए ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो वो सबसे स्टार्टिंग में 100% इसमें जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं, दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें बाइकार्बोनेट आयन यानी कि HCO3- आयन, ये भी यहाँ पे कम से कम 90% ये जो है यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा वाटर भी यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है। ये हमारा काम पीसीटी का, कि ये इन इन चीजों को ये रीअब्जॉर्ब करेगी। तो हमारी एक टाइप्स की जो ड्रग है ना वो यहाँ पे जाके काम करेंगे, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना इस तरीके से, ये समझ लीजिए यहाँ पे हमारी मेडिसिन जाके काम करेगी। अभी आपको वो जब हम फार्माकोलॉजी समझेंगे तब अच्छा से और समझ आएगा। यहाँ पे जो सेकेंड है देखिए लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे आप देखोगे ये जो है हमारे दो लूप है, तो इसको हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं ये वाला। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें रीअब्जॉर्ब होंगी, तो यहाँ पे देखिए लूप ऑफ हेनले में ना आप देखोगे दो है, एक है ये नीचे को आप देखोगे, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, जब चीज ऊपर से नीचे को आती है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसको हम असेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिसेंडिंग लूप, या बोले तो डिसेंडिंग ट्यूब, और इसको हम असेंडिंग ट्यूब बोलते हैं। तो डिसेंडिंग जो ट्यूब है ना, जैसे कि मैंने यहाँ से वाटर को बाहर निकाल रखा है, तो ये जो है केवल वाटर को ही रीअब्जॉर्ब करती है, या बोले तो ये वाटर के लिए परमेबल होती है। और बाकी जो हमने यहाँ ग्रीन कलर से दिखाया है, ये जो है NaCl यानी कि सोडियम और क्लोरीन दोनों ये जो आयन्स होते हैं, ये इन इन दोनों को ये जो है रीअब्जॉर्ब करती है। नहीं समझ आए, देखिए आप ऐसे समझें, जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये बोले तो डिसेंडिंग जो ट्यूब है जो कि नीचे को आ रही है, जैसे कि मैंने एरो से दिखाया, जो नीचे को आ रही है वो केवल वाटर को ही रीअब्जॉर्ब करती है, ठीक है। लेकिन जो ऊपर को जा रही है यानी कि ये वाली हमारी ग्रीन वाली, इसमें जो है वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होता, इसमें जो है सोडियम आयन और क्लोरीन आयन या क्लोराइड आयन जो भी है, तो ये दोनों रीअब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, तो यहाँ पर भी हमारी एक मेडिसिन काम करेगी, मैंने इसको स्टार लगा रखा है, इसको हाईलाइट कर रखा है। और इसके अलावा देखिए तीसरी जो ट्यूब है हमारी वो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जो कि यहाँ पे आपको कुछ इस कलर में दिखाई गई है। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें रीअब्जॉर्ब होती हैं, तो यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन होता है देखिए वो सोडियम का होता है, सोडियम आयन का, क्लोराइड आयन का और कैल्शियम आयन, ये तीनों रीअब्जॉर्ब होते हैं किससे, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, एक ट्रांसपोर्टर होता है उसके थ्रू ये रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो यहाँ पर भी एक मेडिसिन हमारी काम करेगी, ठीक है, आप देखते रहने। इसके अलावा चौथी जो है हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, जो कि लास्ट में है, जो कि सारा कुछ लास्ट में ये जो है यहाँ पे कलेक्ट करती है। तो यहाँ पे भी कुछ चीजें दोबारा से रीअब्जॉर्ब होती हैं, क्या क्या है देखिए, वो है हमारा सोडियम, सोडियम जो आयन्स है वो जो है यहाँ पे दोबारा से रीअब्जॉर्ब होते हैं। इसके अलावा जो पोटेशियम जो आयन्स हैं वो सीक्रेट किए जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट आप समझ लीजिए, सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा लेकिन पोटेशियम आयन को बोला जाएगा कि तुम जाओ, तुमको बाहर निकाला जाएगा। तो ये जो है आपने देखिए इसको सारा कुछ अभी आपने समझा है कि कैसे फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन हमारा यहाँ पे हुआ जो कुछ इस कलर में है, वोमेंस कैप्सूल यहाँ पे, और इसके अलावा ये जो है चारों चीजें जो भी है यानी कि पीसीटी, लोपोफेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, इसमें जो है रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद में होता है सीक्रेशन, जब यहाँ पे सारा कुछ कलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से बाहर को निकल जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, सीक्रेशन। अब देखिए बात करते हैं जो हमारे सारे डायुरेटिक्स हैं उनका मोड ऑफ एक्शन, की कौन से ड्रग कहाँ पे काम करेगी। तो अभी देखिए आपने डायुरेटिक्स के बारे में एक चीज देखी कि डायुरेटिक्स, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि डायुरेटिक्स जो है हमारे रीअब्जॉर्प्शन पे काम करेगी,
वो जो है रीएब्जॉर्प्शन जो हो रहा था ना पहले जो ज्यादा था उसको नहीं कम कर देंगे। कैसे? देखिए आप ऐसे समझिए, सबसे पहले हमारा ब्लड है जिसको हमने फिल्टर करना है, ये हमारी अब मैंने छलनी टाइप बनाई, किडनी आप समझ लीजिए जो कि फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ब्लड वही आया और ये फिल्ट्रेशन एक्चुअली में छलनी यहाँ पे है, तो यहाँ पे फिल्टर हुआ। फिल्टर होने के बाद में जो वोमेंस कैप्सूल को लगा कि ये फालतू कुछ चीज़ें हैं तो उसको हम फिल्ट्रेट बोल दे रहे हैं, फिल्ट्रेट यानी कि फिल्टर होने के बाद जो बचा वो फिल्ट्रेट है। बाकी जो सही जो ब्लड था जो मतलब साफ था बिल्कुल क्लीन था जो भी उसमें मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो दोबारा से सर्कुलेशन के लिए चली गई, ठीक है। अब क्या हुआ, फिल्ट्रेट में भी हमारी आगे ट्यूब है जैसे कि प्रोक्सिमल ट्यूब, लिपोफेनले और डिस्टल ट्यूब, उनको लगा कि अभी भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी, लाइक ग्लूकोज हुआ, अमीनो एसिड हुए, ठीक है, और इसके अलावा कुछ हमारे सोडियम आयंस हुए, क्लोराइड आयंस हुए, इसके अलावा हमारे वाई कार्बोनेट आयंस हुए, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है दोबारा से रीअब्जॉर्ब होते हैं किन के थ्रू, इन सभी ट्यूब्स के थ्रू। तो हमारी ड्रग्स क्या करेंगी कि ये जो इनका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, यानी कि जो 99% चीज़ें दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो रही हैं तो उनको ना थोड़ा कम कर देंगे। सपोज करिए 99 की जगह ना उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि 60% जो चीज़ें हैं उनको वापस ले लो, उनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लो, लेकिन बाकी जो हमारी 39% और चीज़ें हैं उनको तुम बाहर जाने दो। तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे यूरिन का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, यानी कि यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। वही तो हमने कराना था क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फ्लूड है, हमारी बॉडी में एडेमा है, हमारी बॉडी में स्वेलिंग हुई पड़ी है, तो जितना ज़्यादा फ्लूड बाहर निकलेगा उतना ही हमें रिलीफ मिलेगा, यानी कि ये रीअब्जॉर्प्शन को ना थोड़ा कम कर देंगी। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद कर देंगी, बिल्कुल बंद नहीं करेंगी फिर उससे हमको प्रॉब्लम आ जाएगी, हम वो थोड़े टाइम के वो इनहिबिट करेंगी और उसमें भी कुछ परसेंट जो है वो जो है रीअब्जॉर्प्शन को रोकेंगी। तो यह है इनकी थोड़ी फार्माकोलॉजी। अब जो है ये हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन है सभी ड्रग का, तो पहले देखिए वही लिख रखा है, ऑल डायबिटिक्स वर्क बाय इनहिबिटिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, इलेक्ट्रोलाइट या वाटर, उनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देती हैं या बोले तो कम कर देती हैं जिससे कि यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो हमारी टाइप्स के ड्रग है ना वो है हमारी कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। सभी ड्रग अलग साइट पे काम करेंगी, जैसे कि साइट क्या होंगी, कोई हमारा पीसीटी पे काम करेगी, कोई लिपोफेनले पे काम करेगी, कोई हमारे डीसीटी पे काम करेगी, कोई कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगी। तो उसी की वजह से मैंने सारा कुछ इनका पूरा फिजियोलॉजी बताई थी कि कौन सी ट्यूब कहाँ पे है, कौन सी ट्यूब का क्या काम है, कौन सी ट्यूब क्या रीअब्जॉर्ब कर रही है, वही सारा कुछ आपने समझना था। तो यहाँ पे जो पहली जो हमारी टाइप्स के ड्रग है वो हमारी कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जैसे कि नेम हमारा कार्बनिक एनहाइड्रेज एज, यानी कि एंजाइम है, एक ऐसी ड्रग है जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगी, यानी कि अगर हमको ये पता चल जाए कि इस एंजाइम का क्या काम है तो हमको फार्माकोलॉजी समझ आ जाएगी। तो ये जो हमारी कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो भी सारी ड्रग है जिसके अंदर कौन कौन सी आती है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं जो काफी इंपॉर्टेंट जो कि कई बार आई हुई थी, एसिटाजोलामाइड है और मेथाजोलामाइड है, इसके अलावा डाइक्लोरोफेनामाइड है। तो ये जो ड्रग है ना ये काम करती है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पर, जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है, जो फर्स्ट स्टेप जहां पर रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट ही होती है जस्ट, ये उस फर्स्ट साइट पे जाके काम करती हैं। क्या काम करती हैं, जैसे कि हमने देखा था कि आखिर पीसीटी में क्या क्या चीजें रीअब्जॉर्ब हो रही थी, ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो रही थी, अमीनो एसिड रीअब्जॉर्ब हो रहे थे, वाई कार्बोनेट आयन ये रीअब्जॉर्ब हो रहे थे और वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा था। मैंने इसी वजह से हाईलाइट किया था कि यहाँ पे एक मेडिसिन जाके काम करेगी, तो वो हमारी कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर यहाँ पे काम करती हैं। देखिए ग्लूकोज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अमीनो एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनको तो हम रीअब्जॉर्प्शन मतलब होने देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारी कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो ड्रग है वो यही वाई कार्बोनेट आयन यानी कि HCO3- यहाँ पे जो रीअब्जॉर्ब हो रहे थे किसमें, पीसीटी में ही ये रीअब्जॉर्ब हो रहे थे, तो उनके रीअब्जॉर्प्शन को थोड़ा कम कर देती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 90% रीअब्जॉर्ब हो रहे थे, सपोज करिए 60% रीअब्जॉर्ब हुए तो क्या होगा, यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, यूरिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो यही मेडिसिन ये जो है काम करेंगे। तो सिंपली वही लिखा है, दीज ड्रग्स वर्क ऑन प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल यानी कि पीसीटी एंड इनहिबिट द वाई कार्बोनेट आयन रीअब्जॉर्प्शन बाय इनहिबिटिंग कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, इस एंजाइम को इनहिबिट करके बाइकार्बोनेट जो आयंस है उनके रीअब्जॉर्प्शन को रोक दिया जाता है। तो इस एंजाइम का काम क्या है वो आप यहाँ पे समझिए, ये थोड़ा आपको टफ सा नजर आएगा, अभी मैं आपको क्लियर करूंगा। जैसे कि सपोज करिए ये हमारी पीसीटी है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, अगर हम इसका ये पार्ट लेते हैं, लाइक इतना पार्ट हमने कट किया, ठीक है,
अभी आपको नजर आ रहा होगा, ये इसके अंदर का पार्ट है, इसके साइड में एक ब्लड वेसल भी है जिसमें ब्लड बह रहा है, और बीच में एक लाइनिंग है या बोले तो एक सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे वही देखिए जूम किया है, जैसे कि ये जो बीच में जो पार्ट है, ये आपको जो मैंने ये चौखाने से बना रखे हैं, तो ये जो है ना, ये हमारी लाइनिंग है। कौन सी लाइनिंग? ये ब्लू वाली, ठीक है। किसकी लाइनिंग है? ये हमारी पीसीटी यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल की लाइनिंग है। इसके साइड में ब्लड वेसल है, तो यहाँ पे इसके साइड में ब्लड वेसल को इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। बाकी इधर का जो एरिया है, ये जो हमारी ट्यूब है उसके अंदर वाला पार्ट है। अंदर वाला कौन सा? जिसकी लाइनिंग होगी, इधर हमारा ब्लड वेसल होगी, इसके साइड में ये अंदर का जो पार्ट है सारा, ये जो है हमारा, इसको हम ल्यूमन बोलते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो है हमारा इस तरीके से बीच वाला पार्ट था, और इसके साइड में यहाँ पे ये जो है हमारा ब्लड है, यहाँ पे ब्लड बह रहा है, और ये जो है हमारा ल्यूमेन वाला पार्ट है, ठीक है। ल्यूमेन यानी कि अंदर वाला पार्ट। तो एक्चुअली में देखिए अब समझना क्या है, ये जो हमारी एक टाइप की सेल है, कौन सी सेल की बात कर रहे हैं? देखिए आप ये थोड़ा डिटेल में यहाँ पे देखिएगा, ये जो है ना, ये जो ब्लू कलर में आपको मेम्ब्रेन टाइप दिख रही है, ये भी एक किसी न किसी सेल से मिलकर बनी है। तो रीअब्जॉर्प्शन के लिए क्या होगा, इन्हीं को तो जो अंदर चीजें हैं इस सेल को पार करके इस ब्लड वेसल्स में जाना है, तो इसको क्रॉस करना होगा। तो वही है, देखिए यहाँ पे अंदर हमारी सारी चीजें बह रही हैं, लाइक हमारे वही पूरा फिल्ट्रेट जो है, जिसके अंदर ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, HCO3- है, सोडियम आयंस है, क्लोराइड आयंस है, सारे इस तरफ है। अब उनको ना ये इसी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस तरफ जाना है, ब्लड वेसल्स में जाना है, रीअब्जॉर्ब होना है। तो ये जो हमारी एंडोथेलियल जो सेल्स होती हैं, तो उसमें रीअब्जॉर्प्शन होता कैसे है? HCO3- आयंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक चैनल होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक चैनल है सोडियम हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम जो इस तरफ होते हैं हमारे ल्यूमेन के अंदर, वो इस मेम्ब्रेन में बोलते हैं सेल में जाते हैं। कौन से सेल है? एंडोथेलियल सेल। तो ये इसमें जाते हैं और इसके बदले में हाइड्रोजन यहाँ से वापस आती है, ठीक है। सोडियम गए, हाइड्रोजन आयन यहाँ से वापस आए। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन आयन वापस आते हैं, तो यहाँ पे तो हमारे बहुत सारे आयन्स हैं, लाइक क्लोराइड आयन्स हैं, हमारे वाई कार्बोनेट आयन्स हैं, और हमारे कैल्शियम आयन्स हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हमारे वाई कार्बोनेट आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाती है, बोले तो एक रिएक्शन करती है, जैसे कि HCO3- + H+। तो ये जो है दोनों मिलकर के H2CO3, ये जो है जुड़ जाते हैं, कार्बनिक एसिड बनाते हैं। कुछ नहीं है, यहाँ पे एच एक था, वहां पे दो हो गए H2CO3। तो ये हमारे कार्बनिक एसिड यहाँ पे बन गया है। उसके बाद में देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक एंजाइम है CA, यानी कि वही जैसे कि कार्बनिक एनहाइड्रेज, और इसी एंजाइम को मेडिसिन इनहिबिट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो एंजाइम है ना, करता क्या है, जो हमारा कार्बनिक एसिड बना है, ये उसको ब्रेक कर देता है, उसको तोड़ देता है। किस किस में तोड़ता है? वाटर में और CO2 में, ठीक है। वाटर यहाँ पे निकल जाता है और यहाँ पे CO2। तो ये जो CO2 है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हमारे यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू ये जो है वही सेल के अंदर पहुंच जाती है, ये डिफ्यूज होकर के चली जाती है, फिर CO2 को वही वाटर अंदर मिलता है। देखिए वाटर तो यहाँ पे प्रेजेंट ही होता है, इधर भी वाटर है, ब्लड में वाटर है, यहाँ भी वाटर है, यानी वाटर हर जगह यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे CO2 जो हमारी डिफ्यूजन के थ्रू आई है, वो वाटर के साथ मिक्स होकर के, या बोले तो उससे रिएक्शन करने के बाद में, वही दोबारा से कार्बनिक एसिड बनाती है। जो यहाँ पे कार्बनिक एसिड बनाता है इनडायरेक्टली बोले तो, वो यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है CA जो हमारा दोबारा से वही एंजाइम है, यानी कि कार्बनिक एनहाइड्रेज, ये दोबारा से इस कार्बनिक एसिड को H+ आयन + HCO3- आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन और वाई कार्बोनेट आयन्स में तोड़ देता है। तो ये जो है ब्रेक करने का काम करता है, किसको? कार्बोनिक एसिड को। तो यहाँ पे देखिए H+ आयन जो बार बार बाहर जा रहे हैं, तो वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। सोडियम आयन जो अंदर आ रहे हैं, वो अंदर आ जाएंगे। जो हमारा HCO3- आयन्स हैं, इनडायरेक्टली बोले तो, जो यहाँ पे जो हमारे वाई कार्बोनेट आयन्स थे, वो हमारे सेल के अंदर यहाँ पहुँच गए, और यहाँ पे एक यही इसका चैनल होता है, बाइकार्बोनेट आयंस को क्रॉस करने का चैनल होता है, ये सिंपली इसके थ्रू निकलते हैं और हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं। तो यह है इसकी नॉर्मल वर्किंग। अब हमारी मेडिसिन क्या करेंगी? हमारी मेडिसिन इस एंजाइम को जाके इनहिबिट कर देंगे। देखिए अगर ये एंजाइम इनहिबिट हुआ, तो हमारा कार्बोनिक एसिड ही बना रहेगा, वो ना तो CO2 में कन्वर्ट होगा, ना ही वो वाटर में टूटेगा, ना ही फिर हमारे CO2 अंदर जाएगी, और ना ही दोबारा से हमारा ये वाई कार्बोनेट आयन यहाँ तक भी पहुंचेगा, वो केवल यहीं यहीं रहेगा, और यहाँ मतलब वो फिलो हो रहा है, वो ल्यूमेन में बह रहा है। आप ऐसे समझें, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि
जो हमारा HCO3- है, जो हमारा बाइकार्बोनेट आयन है, वो यहीं यहीं रहेगा, इसके अंदर ही रहेगा, वो इस तरफ क्रॉस करने की भी कोशिश नहीं करेगा अगर वो एंजाइम इनहिबिट हो जाता है। तो सिंपली आपको मोड ऑफ एक्शन समझ आ गया होगा कि जो हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है वो एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि कार्बोनिक एसिड को तोड़ देता है CO2 में और वाटर में, उसी को जाके इनहिबिट कर देती है। जब वो नहीं तोड़ पाएगा तो CO2 हमारे अंदर नहीं जाएगी, जब CO2 अंदर नहीं जाएगी तो हमारे यहाँ पे इनडायरेक्टली बोलते तो कार्बोनेट सॉरी वाई कार्बोनेट आयन्स यहाँ पे नहीं बनेंगे, फिर वो उनका रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। तो ये है इसका मोड ऑफ एक्शन। तो देखिए वही जो सारा कुछ अभी मैंने बताया ना, वो थ्योरी में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आगे भी ना, जैसे कि हम यहाँ पे देखें अपने सिलेबस में, वैसे तो हम सभी का सेपरेट भी हम एस्टाजोलामाइड का, मेथाजोलामाइड का, डाइक्लोरोफेनामाइड का सबका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे, लेकिन मैं वहाँ पर रेफरेंस दूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल में बता रहा हूँ, वहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपको पहला समझ आ गया, वीडियो थोड़ी लेंदी होती जाएगी। बात करते हैं सेकेंड जो है, सेकेंड हमारी थायाजाइड। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे हमारी सेकंड जो हमारी ड्रग है वो हमारी थायाजाइड। थायाजाइड के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है क्लोर थायाजाइड, एंड इसके अलावा हाइड्रोक्लोर थायाजाइड है, हाइड्रोफ्लोरोमेथाजाइड है। तो इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है? तो अभी जो हमारी ड्रग जो काम कर रही थी ना, वो PCT पे काम कर रही थी। जो हमारी थायाजाइड जो है वो हमारी DCT यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब बोल, इस वाले ट्यूब पे जो है काम करती हैं। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ रीअब्जॉर्ब हो रही थी पहले वो हम देख लेते हैं। देखिए DCT में जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था ना, देखिए वो सोडियम आयन का हो रहा था, क्लोराइड आयन्स का हो रहा था और कैल्शियम आयन का हो रहा था। किसके थ्रू? सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर के थ्रू। यानी कि अगर हम इस को ट्रांसपोर्टर को रोक दें तो इनका रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। तो यही इसका क्या है? मोड ऑफ एक्शन। तो सिंपली देखिए यही लिखा हुआ है, दिस ड्रग्स वर्क ऑन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल यानी कि DCT वेयर दे इनहिबिट सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, सो फर्दर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड आयन्स रिड्यूस, सो यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज। यानी कि जैसे कि मैं दिखाऊँ, वही जो है सिंपली वही सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा दिया है कि आप सपोज करिए आपने इतना पार्ट यहाँ से कट किया है और ये जो है जूम आउट करके वही जो मैंने पहले बताया था वही है। इधर ब्लड है, इधर ल्यूमेन वाला पार्ट है, बीच में हमारी एंडोथेलियल सेल है। तो ये जो एंडोथेलियल सेल है ना, इसमें एक हमारा सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर भी होता है, जिसके थ्रू सोडियम और क्लोराइड आयन्स हमारे अंदर जाते हैं एंडोथेलियल सेल के अंदर। फर्दर जो है हमारा सोडियम जो आयन्स है वो यहाँ पे एक और चैनल होता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, जो कि ATP के बेस पे काम करता है, उसको ATP की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सोडियम को अंदर पहुँचा देता है, पोटेशियम को बाहर पहुँचा देता है। तो यहाँ पे ये मेडिसिन क्या करेंगे, सिंपली जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है ड्रग, तो ये जो है सोडियम क्लोराइड जो हमारा को ट्रांसपोर्टर है उसको ही जाके ब्लॉक कर देंगे। तब ये ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि ना ही सोडियम अंदर जाएगा ना ही क्लोराइड आयन अंदर जाएंगे, वो सीधे ल्यूमेन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट तक वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये जो है जब ये नहीं इनहिबिट होता है तो यहाँ से जो है सोडियम आयन इस तरफ पहुँच जाते हैं, ऐसा ही क्लोराइड आयन अपने क्लोराइड चैनल से ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो आपको मोड ऑफ एक्शन समझ आ गया। तो यही सिंपली लिखा हुआ है, ड्रग्स डायरेक्टली ब्लॉक सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, सो रीअब्जॉर्प्शन इन ब्लड डिक्रीज, सो यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज। ठीक है, और इसके बाद देखिए तीसरी जो हमारी ड्रग है वो है लूप डायोरेटिक्स, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव होती हैं। मोस्ट इफेक्टिव क्यों है मैं आपको बताऊंगा अभी। और यहाँ पे देखिए लूप डायोरेटिक्स आप देखोगे वो है हमारी फ्यूरोसेमाइड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्यूमेटेनाइड और इथेक्राइनिक एसिड। तो ये जो है ये कहाँ पे काम कर, जिसके नेम हमारा लूप डायोरेटिक्स, यानी कि लूप ऑफ हेनले पे काम करेंगे। पहली PCT पे काम कर रही थी, दूसरी DCT पे काम कर रही थी, तीसरी हमारी लूप ऑफ हेनले पे काम करेंगी। ये लूप ऑफ हेनले पे भी जो हमारा ये असेंडिंग लूप होता है ना, असेंडिंग जो हमारी ट्यूब होती है जो ऊपर को जा रही होती है, जो क्या कर रही थी यहाँ पे, किसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, मैंने बताया भी था यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड दोनों आयन्स का बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो ये इन्हीं को इनहिबिट करेंगी। तो यहाँ पे देखिए वही दिखा रखा है, मैंने आपको बोला भी था कि जो असेंडिंग जो लिम्ब होता है, जो ऊपर को जा रहा होता है, जैसे कि मैंने एरो से दिखाया है, जो ऊपर को जा रहा है वहाँ पे सोडियम और क्लोराइड जो आयन्स होते हैं वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रीअब्जॉर्ब होते हैं। ये जो है हमारे किसके थ्रू रीअब्जॉर्ब होते हैं? सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, वो भी अभी हम समझेंगे। और मोस्ट इफेक्टिव ये क्यों है? देखिए आपको पता ही होगा सोडियम आयन सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? ब्लड को ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, ब्लड का अमाउंट बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगर यही रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे तो हमारा यूरिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
तो ये मोस्ट इफेक्टिव होते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे वही स्ट्रक्चर से समझाऊँ इसका मोड ऑफ एक्शन, सिंपली लिखा हुआ है दीज आर मोस्ट इफेक्टिव डायरेटिक्स विच वर्क्स ऑन असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग यानी कि जो ऊपर को जा रहा है, डेट्स वाई दीज आर नोन एज लूप डायरेटिक्स, इसी की वजह से हम लूप डायरेटिक्स बोलते हैं, जैसे कि लूप ऑफ हेनले पे काम कर रही है। तो वही देखिए जूम आउट हमने करा है, जैसे कि मैं आपको लेके जाऊँ यहाँ पे, सपोज करिए मैं जो इतना पार्ट यहाँ पे इसका जूम करता हूँ, ये इसके साइड में ना इस तरीके से जैसे यहाँ ब्लड वेसल्स दिख रही थी, सेम यहाँ भी ऐसे ही चिपटी रहती हैं, वो दिखाने में बहुत ज़्यादा घिचपिच हो जाता, तो यहाँ पे वो ऐसे ही चिपकी रहती है, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो उसको देखिए हमने वही दिखाना है कि इस तरफ जो है हमारे ब्लड वेसल्स है, ब्लड वाला पार्ट है, ये ल्यूमेन है जो कि नली का अंदर का पार्ट है, ये हमारी एंडोथेलियल सेल है। तो एंडोथेल जो सेल है ना उसमें बहुत सारे को ट्रांसपोर्टर और चैनल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर था, इसी तरीके से यहाँ पे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड तीनों का होता है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसफर होता है, को ट्रांसफर होता है। तो ये जो है तीनों चीज़ यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होती हैं, ल्यूमेन से हमारी सोडियम अंदर जाता है, पोटेशियम अंदर जाता है, क्लोराइड आयंस अंदर जाते हैं, फर्दर यहाँ पे सोडियम एटीपेस पम्प जो होता है उससे सोडियम हमारे ब्लड में रीअब्जॉर्ब होता है, पोटेशियम इसके बदले में अंदर आता है, तो यही पोटेशियम यहाँ से जो है एक पोटेशियम दूसरा चैनल होता है वहाँ से बाहर निकल आता है, तो सेल के अंदर ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यानी कि जैसे कि पोटेशियम इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, तो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो जो हमारे मैग्नीशियम आयन है कैल्शियम आयन है तो ये जो है बाहर निकलने लगते हैं, बाहर निकलने के बाद ये जो है साइड से यहाँ से फिर फर्दर ये जो है रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो ये जो है यहाँ पे आप कैसे समझोगे, ये जो हमारी ड्रग है सिंपली क्या करेगी, यही जो को ट्रांसपोर्टर है कि सोडियम और क्लोराइड आयंस को ये अंदर भेजने का काम कर रहा है, ये उसी को जाके अगर ब्लॉक कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यही ड्रग हमारी करती है, उसको जाके ब्लॉक कर देती है और हमारा जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था सोडियम और क्लोराइड आयंस का वो 90% यहाँ से रुक जाता है। तो ये है इसका मोड ऑफ एक्शन, आपको समझ आ गया होगा, सिंपली वही लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ कि दिस ड्रग इनहिबिट सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर वाई विच सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयंस एंटर इनसाइड एंडोथेलियल सेल एंड इफ देयर रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज या बोले तो इनहिबिट सो वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीज। एग्जाम्पल जैसे कि फ्यूरोसेमाइड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो यहाँ पे देखिए जो फ्यूरोसेमाइड है ना, एक बार क्वेश्चन भी आया था जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि यहाँ पे दिखाऊँ क्लासिफाइड डायुरेटिक्स एंड की फार्माकोलॉजी ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर एंड लूप डायुरेटिक्स, तो उनकी फ्यूरोसेमाइड जो था इंपॉर्टेंट था, तो मैंने ना उसकी फार्माकोकाइनेटिक और यूजेस वगैरह भी बता दिए हैं, जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक यानी कि कहाँ पे वो एब्जॉर्ब होती है, कहाँ से वो एक्सक्रिएट होती है, क्या है उसकी हाफ लाइफ वगैरह। तो एब्जॉर्प्शन इसका GIT यानी कि इसको हम ओरली भी लेते हैं और इंजेक्शन के थ्रू भी दी जाती है IV रूट से भी, और इसकी ओरल जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 60% होती है, हाफ लाइफ जो है 1.5 घंटे होती है, टोटल इसका ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है केवल, एक्सक्रिएशन यूरिन के थ्रू ही होता है रेनल के थ्रू, और थेराप्यूटिक यूज़ कहाँ पे ये यूज़ होती है, वही सबसे पहला इडेमा यानी कि वही स्वेलिंग वगैरह हो जाना, पानी के इकट्ठा हो जाना, इसके अलावा हाइपरटेंशन हाई BP को ये कम करती है, एक्यूट रेनल फेलियर में भी ले जाती है, और हाइपर कैल्शियमिया और या बोले तो हाइपर कैलेमिया, जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा अंदर हो जाता है या पोटेशियम ज़्यादा ही हो जाता है तो उसको हमने बाहर निकालना होता है, तो यूरिन के थ्रू ही वो निकल जाता है, तो यहाँ पे इसका यूज़ है। बाकी इसके कुछ IDR है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जैसे कि हाइपोकैलेमिया, अगर बहुत ज़्यादा ही पोटेशियम यहाँ से निकल जाता है तो उसको हम हाइपोकैलेमिया बोलते हैं, इसका साइड इफेक्ट है। हाइपोकैल्शियमिया, अगर बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम निकल जाती है तब ये प्रॉब्लम, उसको हम हाइपोकैल्शियमिया बोलते हैं। एक है हाइपर यूरिसेमिया यानी कि बहुत ही ज़्यादा फ्लूड अगर निकल जाए, बहुत ही ज़्यादा हमारा ब्लड का वॉल्यूम चला जाए तो उससे पानी की कमी हो जाती है, हमको खुश्की वगैरह हो जाती है, तो वो हमारी हाइपर यूरिसेमिया कहलाती है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी, कुछ लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है किसी स्पेशल ड्रग से, तो वो भी साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, यानी कि बहुत ही कम होते हैं। इसके अलावा GIT अपसेट, बहुत ज़्यादा पेट वगैरह में गड़बड़ भी हो देखी जा सकती है। हाइपोटेंशन यानी कि जो ब्लड प्रेशर पहले किसकी वजह से ज़्यादा था, सोडियम आयंस की वजह से या बोले तो क्लोराइड आयंस की वजह से, अगर वो बाहर ज़्यादा अमाउंट में निकल जाएंगे तो ब्लड प्रेशर बहुत ही कम हो जाएगा, एक इसका साइड इफेक्ट है। इसके अलावा हाइपोवोलेमिया, वही वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाएगा तो उसको हम हाइपोवोलेमिया बोलेंगे, ब्लड का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो है इसका पूरा मैंने बता दिया फार्माकोलॉजी फ्यूरोसेमाइड की डिटेल में। बाकी नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है ना वो है हमारी पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक्स। पोटेशियम स्पेयरिंग, स्पेयरिंग मीन्स बचा के रखना, रोक के रखना, यानी कि पोटेशियम आयंस को रोक के रखेगी लेकिन और जो आयंस है उनको बाहर निकालेगी। कौन से आयन को बाहर निकालेगी, पहले मैं आपको ड्रग दिखा देता हूँ कौन कौन सी ये ड्रग है। जैसे कि पोटेशियम स्पेयरिंग जो डायुरेटिक्स हैं उसमें हमारी स्पाइरोनोलैक्टोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक है हमारी ट्राई एमिट्रेन
और एमिलोराइड, ये हमारी ड्रग है। बाकी काम कहाँ पे करने वाली है कि पहली ने काम करा था पीसीटी पे, दूसरी ने डीसीटी पे, तीसरी ने लूप ऑफ हैनले पे, चौथी जो काम करेगी वो कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगी। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कलेक्टिंग डक्ट में कहाँ पे क्या रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब हो रहे थे केवल, और पोटेशियम आयन्स को बाहर निकाला जा रहा था। ठीक है, यही तो था इन कलेक्टिंग डक्ट से सम अमाउंट ऑफ सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब एंड पोटेशियम आयन सीक्रेटेड बाई एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का यहाँ पे रोल होता है। तो बात करते हैं इनका मोड ऑफ एक्शन की, तो वही जो पोटेशियम स्प्रिंग जो डायरेटिक्स हैं तो कहाँ पे काम करेंगी, कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेंगे। तो सपोज करिए कलेक्टिंग डक्ट का छोटा सा पार्ट में यहाँ से आपको इतना पार कट कर लूँ, और इसके साइड में ना वही ब्लड वेसल्स भी चिपटी पड़ी है। ठीक है, इतना पार्ट कट करने के बाद में कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि ये हमारा ल्यूमेन वाला पार्ट है जिसमें हमारा यूरिन वही रहा है, ये ब्लड वाला पार्ट है, ये हमारी एंडोथेलियल सेल है। तो कलेक्टिंग डक्ट में जो है एक चैनल होता है सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल। तो ये जो है सोडियम चैनल जिसके थ्रू सोडियम जो है रीअब्जॉर्ब होता है किसमें, एंडोथेलियल सेल में, और फर्दर सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप से ये जो है ब्लड के अंदर पहुंचता है। तो ये जो है सिंपली इसकी फंक्शनिंग है। तो हमारी जो पोटेशियम स्प्रिंग जो डायरेटिक्स है ना वो दो तरीके से काम करते हैं, बोले तो वो दो टाइप्स की होती है। सबसे पहले है देखिए वो हमारी सोडियम चैनल इनहिबिटर, और दूसरी है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। सोडियम चैनल इनहिबिटर यानी कि जो सोडियम चैनल के थ्रू हमारे आयंस एंटर कर रहे हैं वो ड्रग हमारी इसी को जाके इनहिबिट कर देगी, हमारा काम हो गया। हमारी मेडिसिन कौन कौन सी है, वो हमारी एमिलोराइड और ट्राई एमटेरिन। सो दिस ड्रग डायरेक्टली ब्लॉक सोडियम चैनल प्रेजेंट इन कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में जो सोडियम चैनल है सिंपली उसको इनहिबिट कर देंगी, तो सोडियम के यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। ठीक है, सेकंड जो हमारी ड्रग है वो है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरोन ना हमारा एक हार्मोन होता है, और जैसे कि हमारा एंटागोनिस्ट यानी कि जो हार्मोन अपने रिसेप्टर से जाके वाइंड होता है ना, तो ये ड्रग जो है उस रिसेप्टर को ही जाके ब्लॉक कर देती है। सो सिंपली कहा है दिस ड्रग इनहिबिट एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिसेप्टर। ठीक है, उसको जाके ब्लॉक कर देंगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर हम इसको ब्लॉक क्यों कर रहे हैं, या बोले तो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका रोल क्या है यहाँ पे, मतलब रीअब्जॉर्प्शन में। सो एल्डोस्टेरोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोमोटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड सीक्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन। तो जो एल्डोस्टेरोन है ना ये ना बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कराता है, बोले तो ये हार्मोन जब रिलीज हो जाता है तो सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब ज़्यादा होते हैं और पोटेशियम आयन को बाहर निकाला जाता है। तो क्या हो कि अगर हम यही एल्डोस्टेरोन हार्मोन को अगर ब्लॉक कर दें, उसके जो रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें, तो हमारे सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे और जो पोटेशियम आयन जो बाहर ज़्यादा निकल रहे थे वो भी रुक जाएंगे। तो एग्जाम्पल जो ड्रग है वो है हमारी स्पायरोनोलैक्टोन। तो इस तरीके से इसकी फार्माकोलॉजी है, तो ये आपको समझ आ गई होगी पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक्स। ठीक है, अब जो लास्ट में जो हमारी ड्रग है ना वो मतलब टाइप है वो हमारी ओस्मोटिक डायुरेटिक्स। ओस्मोटिक डायुरेटिक्स जिसके अंदर एक ड्रग थी मैनिटोल, और इसके अलावा एक दो ड्रग और हैं जिसकी ग्लिसरॉल है, आइसोसोरबाइड है, जो कि कम ही यूज़ की जाती है, मैनिटोल ही ज़्यादातर यूज़ की जाती है। तो इसकी फार्माकोलॉजी क्या है, या बोले तो कहाँ पे काम करती हैं। तो हमने हर एक के बारे में देख लिया कि कौन सी किस पे काम कर रही थी, कौन सी पीसीटी पे, कौन सी लूप ऑफ हैनले पे, कौन सी डीसीटी पे, कौन सी कलेक्टिंग डक्ट पे। लेकिन जो हमारी डायुरेटिक्स ये वाली जो है ऑस्मोटिक वाली, ये सभी पे काम करती हैं, पीसीटी पे भी, डीसीटी पे भी, लूप ऑफ हैनले पे भी, कलेक्टिंग डक्ट पे भी। तो सिंपली देखिए जैसे कि हमारा ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स यानी कि ये जो डायुरेटिक्स जो होती है ना वो ऑस्मेटिक प्रेशर को बढ़ाती हैं। जैसे कि लिखा हुआ है दीज ड्रग्स वर्क्स बाय इंक्रीजिंग ऑस्मेटिक प्रेशर विद इन द किडनी। किडनी में जो भी ये जगह है नेफ्रॉन के अंदर, सारी जो पोजीशन है, पीसीटी हुआ, हमारा लूप ऑफ हैनले हुआ, ये हमारा डीसीटी हुआ, कलेक्टिंग ड्रग, तो सभी जगह ना ऑस्मेटिक प्रेशर को बढ़ा देती है। और जैसे ही ऑस्मेटिक प्रेशर जब बढ़ जाता है ना तो वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है, बोले तो इनहिबिट हो जाता है। सो वाटर रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज एंड इट एक्सक्रिएटेड विद सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन और हमारे बाइकार्बोनेट आयन, ये जो सारे आयन्स हैं वो वाटर के साथ वो बाहर निकलने लग जाते हैं, मतलब उनका रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। वही तो हमने करना था, किसी भी तरीके से हो बस रीअब्जॉर्प्शन कम होना चाहिए। तो ये हमारी ऑस्मेटिक डायुरेटिक्स है, इनकी फार्माकोलॉजी यही है, मोड ऑफ एक्शन यही है। बाकी इसके अंदर जो ड्रग है वो हमारा मैनिटोल, ग्लिसरॉल एंड आइसोसोरबाइड डाइनाइट्राइड, सॉरी आइसोसोरबाइड केवल। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमने आज कवर करा है वो सारा कुछ ये था कि जो हमारी डायुरेटिक्स थी उसके अंदर कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, थायजाइड, लूप डायुरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक्स एंड ऑस्मेटिक डायुरेटिक्स। तो सभी का हमने क्लासिफिकेशन देखा, उनका मोड ऑफ एक्शन देखा। अब यहाँ पे भी मैं मोड ऑफ एक्शन वैसे तो बताऊंगा लेकिन शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन रेफरेंस मैं इसी वीडियो को दूंगा कि वहां से आप जाकर के देख लीजिए। ये कवर हो गया। बाकी जो हमारी फार्माकोलॉजी थी उसमें पूरा डायुरेटिक्स वाला पोर्शन खत्म हो गया। ठीक है।